हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार, मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल, जिसके अंदर हमारे पास से पेपर सेकंड चल रहा है, और पेपर सेकंड का नाम क्या है, हमारे पास विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट सेकंड में लेक्चर नंबर 4 है। जैसे मैंने लेक्चर 3 के लास्ट में बताया था कि जैसे ही हम लेक्चर नंबर 4 में आएंगे तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है इक्वेशन 8, इक्वेशन 13, 14 यहाँ तक आपको ऐसा कैसा लिखा हुआ मिलेगा। यानी एक प्रकार से ये हमारे पास से लेक्चर नंबर 3 ही क्या चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। तो आप इक्वेशन 14 तक आ गए हो, अब आप इसके आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है भाई, समझ गए ना अपन कर क्या रहे हैं। तो ये पीछे वाले ही लेक्चर को हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो देखो अब आपको क्या करना है, लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था हमारे पास प्लेन पॉइजले फलो। क्या चल रहा था भाई हमारे पास से प्लेन पॉइजले फलो, इसका मतलब हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशंस तक निकाल के मैंने सिर्फ इसलिए बीच में छोड़ दिया था क्योंकि ऐसे पढ़ाते तो वो लेक्चर्स काफ़ी लंबा चला जाता। तो अब हम इस लेक्चर्स के अंदर इसको कर लेंगे भले ही ये कितने भी दे टाइम का बने। अब हमारे पास क्या है, लोअर प्लेट की कंडीशंस आ गई, अपर प्लेट की कंडीशन आ गई, रखनी कहाँ है आपको इसी इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। और मैंने एक रिजल्ट भी लिखा था, क्या लिखा था भाई, यू इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स का निकल आया होगा, जिसने नहीं निकाला है अब वो यहाँ देख लो। तो अब हम क्या लिखेंगे इतना करने के बाद, समझ जाओ भाई ये लेक्चर 3 का ही मैं आगे कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 8 and 13, नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 8 and 13। यानी ये बाउंड्री कंडीशंस लोअर प्लेट वाली एक बार इसके अंदर रखो, और फिर यह आप सेकेंड वाली अपर प्लेट वाली बाउंड्री कंडीशन से इक्वेशन नंबर 8 के अंदर रखो। और टारगेट क्या है हमारे पास, दोनों इक्वेशन के अंदर से a को निकालना, ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, और b को निकालना। ठीक है भाई, तो करो इक्वेशन 8 से 13 से क्या रखेंगे, u की जगह 0 रखेंगे और y की जगह कितना रखेंगे भाई, माइनस बी। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स, और p छोटा लिखना है भाई, और वाई स्क्वायर बटा 2, वाई की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का बी होल स्क्वायर वाई 2। देखो u की जगह मैंने 0 रख दिया है, और ये वाला y की जगह क्या रखेंगे, माइनस बी प्लस ए इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू माइनस बी और प्लस ए बी और प्लस ए बी। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, या यहाँ से मैं क्या करूँ, इसको इधर ले आऊँ। देखो माइनस का ए बी बचेगा नहीं, ये माइनस का ए बी बचेगा, मैं इसको दोनों को ही इस साइड में ले आता हूँ, तो ये कितना बचेगा, ए बी माइनस बी, क्योंकि हमारा टारगेट है इन दोनों कंडीशन से कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो देखो ये माइनस का ए बी है, इसको सोल्व करके लाएंगे इस लेफ्ट साइड में लाएंगे, प्लस का ए बी आ जाएगा, और ये प्लस का बी है ये इस साइड में लाएंगे, तो ये माइनस का बी आ जाएगा। इक्वल में क्या बचेगा, 1 अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटू में बी स्क्वायर बाई 2। तो हमारे पास यहाँ ना तो ए का मान निकला ना ही बी का मान निकला, कोई बात नहीं, आप इसे नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 15 मान लो। फिर बोलो अगेन फ्रॉम इक्वेशन से, फिर हम क्या बोलेंगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशन से 8 and 14, अगेन फ्रॉम इक्वेशन से 8 and 14, मतलब अब की बार क्या रखना है, यू की जगह 0 और वाई की जगह प्लस बी रखो। यू की जगह क्या रखना है, 0, और प्लस की जगह अपने को क्या रखना है, माइनस बी की जगह क्या रखना है, प्लस का बी। ठीक है भाई, बी वाई की जगह अपने को क्या रखना है, देखो यू की जगह 0 और इस वाई की जगह प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी वाई की जगह प्लस बी, तो इसको भी आप इस साइड में ले आओ। तो इसको इधर लेके आऊंगा तो ये कितना जाएगा, माइनस का ए बी, और कैपिटल बी को भी इधर लेके आऊंगा तो कितना जाएगा, माइनस का बी, और इक्वल में कितना बचेगा भाई, 1 अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू बी स्क्वायर बाई 2 इंटू बी स्क्वायर बाई 2। ये मेरे पास क्या आ गए भाई, इक्वेशन नंबर 16 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 16 आ गया। टारगेट क्या है हमारे पास, ए को और बी को निकालना है। तो देखो हमने ए बी को लेफ्ट साइड में इसलिए लिया है ताकि हमारे पास एक आसानी बन जाए। आप सोच के देखो, अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो, हेलो इधर ध्यान दो, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ए बी से ए बी कैंसिल, माइनस का बी और माइनस का बी माइनस ही 2b, मतलब आप क्या लिखो नेक्स्ट स्टेप में, आप लिखो कि इक्वेशन से 15 प्लस इक्वेशन से 16,
देखो क्या लिखेंगे अपन ने, इक्वेशन से 15 प्लस इक्वेशन से 16, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी से माइनस का ए बी कैंसिल्स, माइनस का बी और माइनस का बी माइनस का 2b, देखो माइनस का बी और माइनस का बी माइनस 2b, और देखो ये वाला कैपिटल बी है, कहीं यहाँ पे छोटा बी ना लिख लो तो फिर उलझ जाओगे और तो कुछ नहीं होगा। आगे वाले ऐड करो, ये सेम टू सेम है, सेम टू सेम है तो आपको पता है बी स्क्वायर बाई टू, बी स्क्वायर बाई टू कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ के बी स्क्वायर हो जाएंगे, पर आप ऐसा कैसे लिख लो, एक ये है और एक ये है, तो आप इसको ऐसे लिख लो 2 × 1 अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू बी स्क्वायर बटा टू इंटू बी स्क्वायर बटा टू, या फिर आप इसका 2 से 2 काटोगे तो बी स्क्वायर बचेगा, दोनों को जोड़ोगे। मैंने इसलिए लिख लिया कि इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल्स हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब मेरे पास b की वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस साइन को मैं इधर ले जाता हूं तो माइनस का 1/2 μ, माइनस का 1/2 μ बी स्क्वायर डी पी बटा डी एक्स, बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 17, इसको हम क्या नाम दे देते हैं भाई, इक्वेशन नंबर 17, ठीक है। यानी हमारे पास टारगेट है कैपिटल ए और बी का वैल्यू निकाल के इन बाउंड्री कंडीशन से इस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की इक्वेशंस के अंदर ही रखना है, ओके। तो अब क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए, बी तो निकल गया, ए की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 15 में से 16 को घटा दो, अगेन इक्वेशन 15 में से इक्वेशन से 16 को आप घटा दो, मतलब इसके अंदर से ये घटाएंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो बी से बी कैंसिल और ये माइनस, तो देखो ये बिल्कुल सेम है तो इससे ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। अरे सोच के देखो, इससे ये घटा जीरो, माइनस का बी प्लस का बी हुआ जीरो, ए बी और ए बी 2ab घटाएंगे तो 2 कैपिटल का ए स्मॉल बी इज इक्वल टू जीरो, 2b हमारे पास कॉन्स्टेंट है, 2b हमारे पास ये डिस्टेंस है कॉन्स्टेंट है, तो एक कितना आ जाएगा जीरो, तो हमारे पास कैपिटल ए कितना आ गया भाई जीरो। तो ये हमने ए की वैल्यू निकाल ली और ये हमने कैपिटल बी की वैल्यू निकाल ली, रखनी कहाँ है ए बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के इक्वेशंस नंबर 8 के अंदर। तो देखो मेरे हिसाब से आपके यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने एक तो कैपिटल बी की वैल्यू निकाली है और एक हमने कैपिटल ए की वैल्यू भी निकाल ली। अब चलो रखूं, ए और बी की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आ जाएगा स्मॉल यू की एक वैल्यू आ जाएगी, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर से ही हो जाएगा, ठीक है भाई। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास इसका आंसर से निकल आएगा। तो या तो ऐसे लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशंस 18 एंड 17 इन इक्वेशन 8 वी गेट, या फिर ऐसे लिखो फ्रॉम इक्वेशंस 8, बिल्कुल शॉर्ट लिखना क्योंकि आप यहां तक करते करते आओगे बहुत टाइम लगेगा, तो फ्रॉम इक्वेशंस 8 17 एंड 18, और इसका एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा मैं इस लेक्चर के एंड में बिल्कुल आपको लिख के बताऊंगा कि देखो हमने ये किया है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन का पार्ट ही करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, u इज इक्वल टू 1/μ dp बटा dx y स्क्वायर बाई 2 प्लस a इंटू वाई, देखो u की वैल्यू कितनी है 1/μ dp बटा dx इंटू y स्क्वायर बाई 2 प्लस a इंटू वाई, और a की वैल्यू क्या है जीरो है, ए की वैल्यू क्या है जीरो इंटू वाई प्लस बी, प्लस बी और बी की वैल्यू कितनी है माइनस में, तो मैं डायरेक्ट ही लगा लो ना इधर, या चलो ऐसे लिख लो माइनस बी, तो प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2μ बी स्क्वायर डी पी बटा डी एक्स, डी पी बटा डी एक्स। अब इसमें से जो आपको कॉमन आता हुआ दिखाई दे वो तो आप कॉमन ले लो, तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है यू के बराबर, देखो एक तो आ रहा है 1/2μ और एक आ रहा है हमारे पास है dp बटा dx, देखो कॉमन कितना आ गया 1/2μ dp बटा dx, तो ये कितना बचा भाई y स्क्वायर, और माइनस का साइन 1/2μ dp बटा dx कितना बच गया ये b स्क्वायर, तो मेरे पास u इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2μ और dp बटा dx y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या तो आप इतना छोड़ो या फिर आप क्या करो इसको b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखो। देखो आगे बताएंगे इसका रीजंस क्या है क्योंकि हम इसका आगे चल के पैराबोलिक पाथ बनाना है, क्या लिखेंगे भाई इसमें से मैं इसको बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखूंगा, तो माइनस साइन का बताओ कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो माइनस का 1/2μ डी पी बटा डी एक्स, माइनस का 1/2μ डी पी बटा डी एक्स। अब मैं इसके अंदर से बी स्क्वायर बाहर ले रहा हूँ,
अब इसके अंदर से मैं बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये कितना बचेगा भाई, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू डी पी बटा डी एक्स। तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा भाई, वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, कितना बचेगा u इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू डी पी बटा डी एक्स इन टू वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है भाई, वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, हमने इसको एक अच्छे से एक नए फॉर्म के अंदर लिख लिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तीनों इक्वेशंस को हमने अलग अलग लिख लिया है। और कहाँ तक आ गए हैं हम इक्वेशन से, कहाँ तक आ गए भाई, 13, 14, 17, 18, 19, इसको मैं क्या नाम दे दूँ भाई, इक्वेशंस नंबर 18। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशंस नंबर 18। यहाँ शायद अपन ने ऐसे किया था 13, 14, फिर इसको 15, 16 माना था भाई, 15, 16 देख लेना आप इक्वेशंस नंबर के हिसाब से, या मैं भूल गया कि कौन सी इक्वेशंस लिखी थी, आप कंटिन्यूसली चलते आने भाई, इक्वेशंस नंबर को खोने मत देना। ठीक है, शायद अपने पास देखो कंडीशंस वाली हो गई थी, बाउंड्री कंडीशंस, लोअर प्लेट की इक्वेशंस 13, अपर प्लेट की इक्वेशन 14, 15 या ऐसे करो 17, 18 तक अगर आप आ गए हो तो आगे इसको इक्वेशंस नंबर 19 मान लो। ठीक है, इसको आप आगे इक्वेशंस नंबर 19 मान लो। ध्यान रखना इक्वेशंस नंबर अपन अच्छे से, हो सकता है मेरा यहाँ क्रम बिगड़ जाए बट आप ध्यान में रखना, शायद अपने 17, 18, अब आप 19 मान लो। ठीक है, बस ये नुकसान ना ऑनलाइन का, ऑफलाइन होता तो पूछ लेते, बताओ भाई कहाँ तक इक्वेशंस आ गई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक यू इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या करना है, इसका यू मैक्सिमम निकालना है। देखो अब हमें इसको क्या करना है, यू मैक्सिमम निकालना है, या अपन देखेंगे एक बार इसका यू मैक्सिमम होगा या इसका यू मिनिमम होगा। तो मैं इस इक्वेशंस को इधर लिख लेता हूँ, u इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू और dp बटा dx और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशंस नंबर 19 मान के चलते हैं एक बार। अब देखो मैं यहाँ एक छोटी सी आपको बात बताऊँगा, हालांकि आप जानते हैं 12th क्लासेस की हमारे पास है वो टॉपिक है, मतलब बात तो क्या है, एक टॉपिक है हमारे पास 12th क्लास में। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमएससी फाइनल में जो आप पढ़ रहे हैं इस वक्त ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं साथ साथ, तो वो जरूर 11th 12th में पढ़ाते होंगे, तो वहाँ एक टॉपिक आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम। एक टॉपिक क्या आता है भाई हमारे पास, मैक्सिमम एंड मिनिमम, या हिंदी में अगर कोई पढ़ाता है तो उसके लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट एक टॉपिक आता है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट आप किस प्रकार से निकालते हैं 11th क्लास में, कि y इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास वहाँ एफ ऑफ एक्स होता है, फिर आप dy बटा dx निकालते हो और इसके बराबर dy बटा dx निकालोगे तो कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स, और इसके बराबर जीरो मानते हो, इसके बराबर जीरो मान के यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते हो, आपके पास ए बी सी एटसेट्रा x की क्या आती है वैल्यू आ जाती है, मतलब यहाँ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो x की दो वैल्यू आएंगी, तीन घात का क्यूबिक इक्वेशन बनेगा तो तीन वैल्यू आ जाएंगी। ज़्यादातर 12th क्लास के क्वेश्चंस में एक वैल्यू या दो वैल्यू आती थी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, डी वाई का आपको डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालना होता है, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालना होता है और उसके अंदर कोई एक वैल्यू रखनी होती है, जैसे जिसके ऊपर चेक कर रहे हैं, मान लो अपने एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर चेक किया, अगर ये वैल्यू ग्रेटर आ जाती है या फिर ये वैल्यू लेस आ सकती है या फिर ये वैल्यू इक्वल आ सकती है, अगर ग्रेटर आती है तो आपको लगता है ये पॉजिटिव होगी बट ये मिनिमम होगी, बट ये मिनिमम होगी, अगर लेस जीरो आ जाए तो आपको लगता है नेगेटिव जा रही है बट उस टाइम में ये उच्चिष्ट हुआ करती थी या अधिकतम हुआ करती थी, कुछ बच्चे अधिकतम न्यूनतम से भी समझ सकते हैं उसको, और इक्वल जीरो आ जाता तो हम बोलते थे डज नॉट एक्सट्रीम वैल्यू या स्टेशनरी वैल्यू है, तो फिर हम इसका आगे डी की क्यूब वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकाल के dx की क्यूब निकाल के फिर आगे प्लस माइनस ग्रेटर इक्वल चेक करते थे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। तो जो आपको जो स्टूडेंट से मान लो कुछ स्टूडेंट हैं, शायद 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो साथ साथ एमएससी में, एमएससी के साथ साथ प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब कर रहे हैं, आजकल सरकारी वाले भी बहुत भाई एमएससी की तैयारी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनका शायद प्रमोशन तो हो या ना हो बट उनकी एमएससी हो जाती है तो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन ले लें। देखो मैं ऐसे बहुत सारे टीचरों को जानता हूँ जो सेकेंड ग्रेड के अंदर हैं और एमएससी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके फर्स्ट ग्रेड में लग जाए और उनका वहाँ से तबादला हो जाए, समझ रहे ना, वो ड्यूटी नहीं करना चाह रहे, दूर दूर घर से बहुत दूर छोड़ रखा है
और उनकी बदला बदली हो नहीं रही, तो फर्स्ट ग्रेड वालों को हर साल क्या कि चांस ऑप्शन मिलता है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के कौन से इलाके में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए एमएससी कर रहे हैं, तो अगर वो देख रहे हैं तो आप इस वक्त समझ सकते हैं कि आप मैक्सिमम एंड मिनिमम जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं ठीक वही वाला है कि वाई इज इक्वल टू आप कोई मतलब फंक्शन से उसका डिफ्रेंशिएशन करो, इक्वल जीरो रखो, एक्स की वैल्यू निकालो, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करो, ग्रेटर जीरो आए तो मिनिमम, लेस जीरो आए तो मैक्सिमम, इक्वल जीरो आए तो डज नॉट ए एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब हमें इसका क्या करना होगा, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करना होगा। डिफ्रेंशिएशन करके y की जगह हमारे पास कौन आ गया भाई, u आ गया, y की जगह हमारे पास कौन आ गया, u आ गया। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, u निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, du by dx निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, d2u by dx स्क्वायर निकालेंगे। अब ये बताओ अपने को क्या करना है, इस u का डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या मैं इसका du by dx निकालूं, देखो रटना नहीं है भाई कोई भी चीज, क्या मैं इसका du by dx निकालूं, तो मैं बोलूंगा नो, क्योंकि हम इसका अक्ष के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। रीजन क्या है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास u किसका फंक्शन है, u इज इक्वल टू यू वाई, और प्रेशर था वो प्रेशर है p इज इक्वल टू पी एक्स, और शायद हमने स्टार्टिंग में ही माना था इन इक्वेशनों को। अब इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5 शायद आप इक्वेशन 5 देखो और इसको आप इक्वेशन से 6 में देखो, हो सकता है यहाँ आपको 6, 7 चलो 1, 5 ही मिलेगी भाई, जहाँ तक मेरे याद है मैंने लेक्चर से पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 के अंदर ये बताया था आपको, तो अपना नोट्स पलट के देखो। वहाँ u हमारे पास क्या है, u इज फंक्शंस ऑफ ओनली y, स्टार्टिंग में तो देखो u किसका था, x और y का, बट ये किसके ऊपर इंडिपेंडेंट था, y के ऊपर, तो ये हमारे पास y का फंक्शन बन गया, और प्रेशर हमारे पास लास्ट में x में आ गया था। देखो ध्यान दो, वहाँ आपके पास डेल 2u बाई डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल p बटा डेल x को एक एक सिंगल वेरिएबल होने की वजह से डेल को d में चेंज किया था, तो शायद वो इक्वेशंस 5 और इक्वेशन 6 ही थी। ठीक है भाई, तो मतलब u हमारे पास किसका फंक्शन है, y का, u हमारे पास किसका फंक्शन है, y का, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, du by dy और d2u by dy square, और यहाँ हम किसकी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऐसे कोई भी चीज को रटना नहीं है कि मन में आए तो अपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो अपने यहाँ एक बार मैक्सिमम और मिनिमम देखना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास डायग्राम से स्पष्ट है कि जैसे हम यहाँ पानी से फ्लो करते हैं अपनी नलकी वगैरह रहती है, उसके अंदर बीच में सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में साइड में उसका कोई प्रेशर से ही नहीं रहता है। ठीक है, या साइड में प्रेशर से क्यों नहीं रहता, आप इस रीजन्स को भी समझ सकते हो। बहुत बार आप अपने घर पे छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप एक नलकी से पानी छोड़ना, ऐसे नलकी से लगातार पानी ऐसे निकलेगा और आप ध्यान दोगे कुछ बूंदे धीरे धीरे यही टपक रही है बिल्कुल किनारी के ऊपर, मतलब इसके प्रेशर से पानी आगे जा रहा है, कुछ हल्की हल्की बूंदे यहां टपक रही है, इसका मतलब उनका कोई प्रेशर नहीं है, यहां आने के बाद उनका प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना, तो इस वाले पॉइंट्स पे आके उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए अपने को डायग्राम की वजह से ये क्या लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है, और इसलिए अपने को मैक्सिमम एंड मिनिमम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लिया, यू का फंक्शन तो ये हो ही गया वाई के रिस्पेक्ट में, और देखो ये अपने को वाई भी मिल गया, कहने को तो यहां एक्स भी था बट यू हमारे पास किसका फंक्शन है भाई, वाई का फंक्शन है, इसलिए मैं इसका यू वाई के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। तो चलो निकालो, क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी वाई, मैं आपको बता देता हूं, u इज ओनली फंक्शन ऑफ y, इसलिए इसका du निकलेगा, न कि डेल u बाई डेल y, अब डेल को भूल जाओ भाई, सिंगल वेरिएबल है तो d आएगा, टू और मोर वेरिएबल होंगे तो हमारे पास ही v आएगा, सॉरी डेल आएगा। तो अब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ये वाला वैल्यू कॉन्स्टेंट, dp बटा dx भी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन ओनली y का है, तो इसके अलावा जो भी हमें वेरिएबल्स दिखेगा उसका हम डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो बताओ ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस वाई का वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इसके बराबर अपन क्या करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम के रूल्स के अकॉर्डिंग इसके बराबर क्या करेंगे, जीरो माना, और माना को इंग्लिश में लिखेंगे जीरो लेट। तो कहने का मतलब यहां तक आ चुके हैं, अब हमें x की यानी अब हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप बताइए ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट किसमें चला गया, जीरो के अंदर, माइनस का 2y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे कर लो, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं इसको,
ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। है तो कैलकुलेशन का, फिर भी ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तो ये माइनस माइनस प्लस, टू से टू काटो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काटो, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, टू से टू काटो, ये बचेगा वन अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स, वन अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू वाई, इंटू वाई, माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर कैंसिल्स, टू कैंसिल्स, ये वन अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ जीरो मानेंगे तो वन अपॉन म्यू जीरो में, डी पी बटा डी एक्स इज जीरो में, दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। देखो दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ हमारे पास एक ही जगह कौन आ गया भाई, जीरो आ गया, एक ही जगह हमारे पास कौन आ गया, जीरो। अब हमें क्या निकालना है इसका, डी टू यू बटा डी वाई स्क्वायर। तो अब इसका निकालो, देखो यहीं से निकालो डायरेक्ट, डी टू यू बटा डी वाई स्क्वायर, डी टू यू बटा डी वाई स्क्वायर। तो दोबारा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ गया, वन अपॉन म्यू और डी पी बटा डी एक्स, और आपको पता है वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना बचेगा, वन। और अब आपको रूल के अकॉर्डिंग यहाँ वाई इज इक्वल टू क्या रखना चाहिए, जीरो। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या रखना चाहिए, वाई इज इक्वल टू जीरो। और आपने वाई इज इक्वल टू जीरो रखा तो यहाँ वाई है ही नहीं, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन म्यू इंटू डी पी बटा डी एक्स। अब हमें यह देखना है कि ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है या लेस है। अगर ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम। लेस आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। जीरो देखो है नहीं क्योंकि वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स। आपको पता है म्यू विस्कस फोर्स होता है, कुछ ना कुछ तो होगा, प्रेशर भी घट रहा है बढ़ रहा है, पर प्रेशर जीरो तो नहीं होगा। और प्रेशर जीरो नहीं होगा इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या वैल्यू ये नेगेटिव है। तो मैं बोलूंगा कि ये वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव है, और ये वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। सो नेगेटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे, सो सो यू इज इक्वल टू यू मैक्सिमम। मतलब ये हमारे पास ये यू क्या होगा, मैक्सिमम। बताऊंगा एक बार कि मैंने इसको लेस जीरो क्यों लिखा, एक बार ऐसे समझो कि ये लेस जीरो ही है। तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू मैक्सिमम। मतलब हमारे पास ये क्या हो गया, यू मैक्सिमम। अब याद करो बारहवीं क्लास में हुई, वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे भाई, डी वाई बटा डी एक्स निकाल के तो आपने इसके बराबर जीरो माना और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर के निकाल के वैल्यू। फिर हमारे पास उसका वैल्यू कितना होता था, यानी अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होता था, तो जो एक्स की वैल्यू आती थी वो उठा के हम क्वेश्चन में पुट किया करते थे। यस, जो वैल्यू आती थी उसको उठा के हम क्वेश्चन में पुट किया करते थे। तो हमारे पास वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि यू इज, वो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, वाई बराबर जीरो, पुट वाई बराबर जीरो, ऐसे बोल देना कि देखो आपको पता चल गया कि हमारे पास लेस जीरो होने की वजह से क्या आ गया, ये मैक्सिमम आ गया। अब हम क्या बोलेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अब हम क्या बोलेंगे, इधर लिख लेना भाई आप एक बार, कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुटिंग y इज इक्वल टू जीरो, पुटिंग y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन से 19 वी गेट, ठीक है भाई। यही क्यों रखा, क्योंकि अपने रूल्स के अकॉर्डिंग वो जो वैल्यू आती थी x बराबर एक पर, वो उठा के क्वेश्चन में रखो, और क्वेश्चन का मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ x में रखो। यहाँ y की जगह हमारे पास u है और x की जगह y है, ठीक है। तो रखो y की जगह जीरो तो कितना आ जाएगा, u। u की जगह क्या रखोगे भाई, u मैक्सिमम। u की जगह आप क्या रखोगे, u मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू, इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू इंटू डी पी बटा डी एक्स, इंटू डी पी बटा डी एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इंटू वन माइनस वाई की जगह अपने क्या रख दिया, जीरो रख दिया। वाई की जगह अपने क्या रख दिया भाई, जीरो रख दिया। और यू की जगह अपने आप ही क्या गया, यू मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो कोई बच्चा ऐसे मत कर देना भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, ध्यान से देखो ये क्या बन गया, जीरो बन गया। वहाँ छोटी छोटी गलती हो सकती है और आपको किसी और डायरेक्शन के अंदर लेके जा सकती है, फिर आपको हमेशा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। मैं चेक करता हूँ एक बार कैमरे में सही रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, ठीक है भाई। तो ये हमने क्या निकाल लिया, यू मैक्सिमम, इसको हम क्या मान के चलेंगे, इक्वेशन नंबर 20।
तो इस प्रकार से आपको फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए बिल्कुल 12th क्लास वाला वही फॉर्मूला, या उच्चिष्ट निम्निष्ट बोल दो या अधिकतम न्यूनतम बोल दो। तो यहाँ हमारे डायग्राम में कहीं ना कहीं हमें मैक्सिमम दिखाई दे रहा है और यू हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम। अब इसको समझो तुरंत कि मैंने इसको नेगेटिव क्यों लिया, ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझिए कि ये जो डीपी बटा डीएक्स है ये क्या है भाई, प्रेशर है या प्रेशर ग्रेडियंट है, सोच के बोलना। तो ये हमारे पास प्रेशर और नीचे अक्ष की वजह से हो रहा तो ग्रेडियंट है, ठीक है। प्रेशर होता तो केवल पी होता, और प्रेशर से ग्रेडियंट है इसका मतलब ये हमारे पास, और साथ साथ ये हमारे पास नॉट इज इक्वल टू जीरो है, प्रेशर हमारे पास नॉट इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब बताइए प्रेशर से हमारे पास कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, क्या प्रेशर से हमारे पास से नेगेटिव हो सकता है, देखो क्या हमारे पास प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, तो इट मे बी पॉसिबल ये नेगेटिव हो सकता है, और इसको हम समझाएंगे इसी लेक्चर इसी टॉपिक के लास्ट में ग्राफ की वजह से। बट यहाँ हमारे पास कंटिन्यूसली क्या प्रेशर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, बट आपको पता है कि प्रेशर है वो जीरो नहीं हो रहा, प्रेशर है वो जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रेशर हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो प्रेशर हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सोच के देखो प्रेशर अगर जीरो हो गया तो ये क्या बचेगा, जीरो बचेगा। और इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, और इसके पीछे एक रीजन है क्योंकि ये प्रेशर से रिलेटेड जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार पार्ट है। आप सोच रहे होंगे कि मैं फिजिक्स का नाम लेके असफलता से बच रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप मान के चलोगे कि प्रेशर ग्रेडियंट हमारे पास ही पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता नहीं है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें ऐसे लगेगा कि प्रेशर ग्रेडियंट आगे की ओर बढ़ रहा है और प्रेशर मैक्सिमम जा रहा है। देखो प्रेशर हमारे पास है मैक्सिमम जा रहा है, इसलिए प्रेशर क्या होगा, सॉरी मैक्सिमम तो बाद में डिसाइड करेंगे ना किसकी वजह से, पर आप मान के चलोगे कि प्रेशर ग्रेडियंट है ये हमारे पास है पॉजिटिव है, और ये म्यू है ये हमारे पास है नेगेटिव है, ठीक है। म्यू क्या है भाई, हमारे पास है विस्कस कोएफिशिएंट। देखो म्यू हमारे पास क्या है, विस्कस कोएफिशिएंट। देखो व्यू हमारे पास क्या है भाई, विस्कस कोएफिशिएंट। हम चर्चा करेंगे इस बात की, हमारे पास यहाँ अभी एक प्रकार से अपवाद आ गया है कि ये पॉजिटिव ही क्यों लेंगे, तो इसे चल के हम आगे जस्ट इस लेक्चर के मतलब थोड़ी आफ्टर 10 मिनट बाद में इसको सोल्व करूंगा। तो म्यू विस्कस कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, पहले ये बताओ भाई विस्कस कोएफिशिएंट क्या होता है, लाइक एज ए फ्रिक्शन फोर्स। बेसिक लेक्चर स्टार्टिंग के लेक्चर 1 में मैंने यही बताया था कि विस्कस फ्रिक्शन क्या होता है, जिस प्रकार से आप देखो घर्षण बल लगाते हैं अपने कमरे में जो फर्श के ऊपर जो थिंग्स ऑब्जेक्ट है उसको आगे की ओर खींचते हैं या धक्का लगाते हैं, तो देखो मान लो आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो घर्षण बल कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इसके एंटी डायरेक्शन। अरे भाई आप आगे खींच रहे हो और ये पीछे खिसक के आने की कोशिश करेगा। और मैंने ये बताया था घर्षण बल को ठीक अपन पानी की लेयर के ऊपर लगाएं तो लेयर को हम पानी के अंदर क्या बोल देंगे, इसको घर्षण बल को ही हम विस्कस कोएफिशिएंट या श्यानता बल कहते थे। तो जैसे हम पानी की लेयर के अंदर, देखो एक लेयर आगे की ओर जाएगी तो दूसरी लेयर अपने आप इसको किसकी डायरेक्शन की ओर खींचेगी, पीछे की ओर डायरेक्शन। तो इसका कोएफिशिएंट कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ही चला जाएगा। इसलिए विस्कस कोएफिशिएंट हमेशा नेगेटिव है और ये हमारे पास ही पॉजिटिव है। देखो इसको उल्टा भी ऐसे मत समझना कि विस्कस फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है। हो सकता है आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो बताओ विस्कस कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इसके जस्ट एंटी डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए आप ऐसे समझोगे इस चीज को कि अगर हमारे पास, चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया, मैं पहले तो फिजिक्स का नाम ले रहा था। आप ऐसे समझोगे अगर आप प्रेशर इस साइड में लगा रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, अगर प्रेशर इस साइड में जा रहा है तो इसका विस्कस फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इस वाले डायरेक्शन में, या अगर विस्कस फोर्स या प्रेशर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जस्ट विस्कस फोर्स कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इसके एंटी डायरेक्शन में जाएगा। अरे यहां देख लो प्रेशर इस डायरेक्शन में जाएगा तो विस्कस फोर्स इसके नेगेटिव आएगा, या अगर मान लो चलो इसको उठा के उल्टा कर दूं मैं तो प्रेशर इस साइड में आएगा तो विस्कस फोर्स कौन से डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। चलो ये कौन यही क्लियर हो गया, पहले तो मैं बोल रहा था कि चलो ये फिजिक्स का टॉपिक है, पर अब मेरे थोड़ी याद आ गई एकदम से कि किसी टाइम में हमारे सर ने ऐसे ही बताया था कि हाँ प्रेशर और विस्कस फोर्स है एक दूसरे क्या लगेंगे, अपोजिट। तो अगर ये पॉजिटिव होगा इंटू ये नेगेटिव तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस, और ये माइनस होगा ये प्लस होगा तो भी माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसलिए ये मत सोचना कि देखो प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं लगेगा, वो मैं अभी क्लियर करूंगा जिसके अंदर हम बैक फ्लो नाम से पढ़ेंगे। तो नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव ऐसे होता है, जैसे देखो बहुत बार आपने नोट किया होगा
कि आप मान लो पानी डाल रहे हो किसके किसी मतलब एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर हम नलकी लगा के पानी डाल रहे हैं और पीछे से हमने हाथ ऐसे मान लो अपने पानी की नलकी है और ऐसे अपने हाथ लगा लिया इस साइड में, मतलब एक साइड से इसको रोक के छोड़ दिया जाए तो कभी कभी पानी नलकी वापस अंदर की ओर खींच लेती है। आप समझ सोच सकते इमेजिन कर सकते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि पानी चलता हुआ पानी था, अचानक से थोड़ा पानी एक कुछ सेकंड के लिए फेंकेगी, बाद में तो वापस आ जाएगा, तो हमारे पास वापस पानी पीछे की ओर चला गया, तो मतलब प्रेशर कौन से डायरेक्शन लग गया, एंटी डायरेक्शन के अंदर लग गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि प्रेशर के अपोजिट विस्कस फोर्स लगेगा, तो अगर ये इस डायरेक्शन में आप इधर प्रेशर ले जाओगे तो ये विस्कस इधर खींच के लाएगा नेगेटिव, या प्रेशर इधर लाओगे तो ये आगे की ओर जाएगा पॉजिटिव। तो दोनों ही कंडीशन में एक माइनस एक प्लस या एक प्लस एक माइनस दोनों का ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस, और माइनस को आप क्या लिखोगे, लेस जीरो लिखोगे। ठीक है, माइनस को आप कैसे लिखोगे भाई, लेस जीरो लिखोगे। ओके, इसकी वजह से मैंने इसको लेस जीरो लिखा है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, टाइम पे याद आ गया, वरना तो मैं ये बोलता और बोल रहा तो मैंने सही था कि फिजिक्स के अंदर ही क्लियर होता है, बट आप यहाँ समझ चुके हो तब इसकी चिंता मत करो। तो ये हमारे पास क्या हो गया नेगेटिव, तो हमने प्रेशर्स निकाल लिया, प्रेशर्स क्या हो गया हमारे पास ही पॉजिटिव। तो एक तो हमने इक्वेशन 19 निकाल ली जिसके अंदर क्या है यू है, यू क्या है भाई वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये यू भी क्या है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट इस टाइम में आके ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। देखो अगर आपके अंदर टॉपिक हमारे पास वही वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और यहाँ हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे आके u मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 19 को ध्यान में रखना और ये इक्वेशंस नंबर 20 को ध्यान में रखना, दोनों ही इक्वेशंस हमारे पास काम आएंगी। ये नेगेटिव क्यों होता है कोई नहीं समझाएगा ना बुक में समझ में आएगा, बुक में तो आपने अब तक देख लिया होगा लाइनें चार लिखी हैं और चल मेरे भाई, अगर कोई बच्चा वास्तव में बुक भरोसे पढ़े तो मैं बता रहा हूँ वो इतनी नफरत करने लग जाएगा एमएससी से, बोलेगा इसमें कुछ आना जानी नहीं कुछ दूसरे सेक्टर में चलो। और बुक वाले इतना ऐसा क्यों लिखते हैं उसके पीछे मार्केट की कहानी है। ठीक है, क्योंकि बुक वाले अगर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपके पास जो बुक्स हैं मान लो ये विस्कस फ्लूइड की बुक्स हैं ये आपके पास काफ़ी सारी मोटी हो जाएगी। देखो अगर बुक वाले ने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया तो ये बुक हमारे पास इतनी मोटी हो जाएगी, और अब तो आपको मार्केट में ये 250 से 300 रुपये मिल जाती है, फिर मान लो ये जितनी मोटी होगी मार्केट में तो उतना ही पैसा लगेगा, तो ये 800 रुपये की चली जाएगी। और आप ऐसे सोचो कि 800 की बजाय तो मैं 300 रुपये में मैं तो पाथ फाइंडर ले लूँ बस 5 साल के बढ़ लो पास हो जाऊँगा, तो इस वजह से बुक वाले भी थोड़ा सा शॉर्टकट चलते हैं ताकि पतली सी बुक देखे किसी की एमएससी करने की इच्छा हो। तो वैसे एमएससी की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती है, बट ये जेपीएच वालों ने अपना एडजस्टिंग कर रखा है कि अब जैसे तैसे करके आप काम चला लोगे। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास आ गया यू आ गया, और एक हमारे पास इक्वेशन 20 के अंदर क्या आ गया यू मैक्सिमम आ गया। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे कि नाउ डिवाइडिंग बाई, अब छोटे छोटे रिजल्ट निकाल सकते हैं अपन, नाउ डिवाइडेड बाई Now divided equations 19 by equations 20। ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इन दोनों इक्वेशन से आप एडजस्ट करो, या आप ऐसे करो कि आप इक्वेशन से 19 के अंदर इक्वेशन से 20 का भाग दे दो, इससे क्या क्या हम एक दो छोटे मोटे रिजल्ट और निकाल के ले आएंगे। तो ये U क्या है U, और ये क्या है हमारे पास U मैक्सिमम इज इक्वल टू ये कितना है हमारे पास माइनस का बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू डी पी बटा डी एक्स और इनटू में वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये कितना आ गया माइनस का बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू इंटू डी पी बटा डी एक्स इंटू डी पी बटा डी एक्स। ठीक है, काटो सेम पैटर्न कट गया, कितना बचा वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, u इज इक्वल टू यू मैक्सिमम इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, या इसको इधर ले आओ एक साथ, चलो मैं ये लिख देता हूँ क्या आ जाएगा, इसको आप इधर ले जाओ, तो u इज इक्वल टू क्या आ गया भाई हमारे पास u मैक्सिमम इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया एक रिजल्ट आ गया। अब आप सोच सकते हैं, देखो हमारे पास वो इक्वेशन आई थी ना वन अपॉन टू म्यू डी पी बटा डी एक्स, एक बार देखो पीछे का थोड़ा सा मैं बता दूं कहाँ आई थी, आपके पास ये इक्वेशन आई थी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
वाई स्क्वायर माइनस ही बी स्क्वायर, फिर मैंने माइनस साइन कॉमन लेके इसको बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर किया था, और फिर हमने इसमें बी स्क्वायर कॉमन लेके इसको वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वो सिर्फ इसलिए किया था कि जैसे आप यहाँ पहुँचो, मैंने इक्वेशंस 20 तक आने के बाद इसमें वापस इसमें सुधार किया था जब मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था कि क्यों ना वहीं डायरेक्ट ऐसे बता दिया जाए। तो मतलब वहाँ अगर ऐसे नहीं करते, वहाँ अगर ऐसे ही छोड़ देते कि वन अपॉन टू म्यू और डी पी बटा डी एक्स, डीपी बटा डी एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ काटा पीटी करने में एक दो स्टेप्स और लग जाती, तो बात वही है चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। तो हमारे पास मतलब कुल मिला के क्या गया, यू इज इक्वल टू यू मैक्सिमम वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारे पास से बन गई। अब देखो ध्यान क्या दोगे, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, आप मान के चलोगे कि विच इज पैराबोलिक पथ, आप क्या मान के चलोगे भाई, विच इज पैराबोलिक पथ, विच इज पैराबोलिक पाथ बोलते हैं इसको, ठीक है, विच इज पैराबोलिक पाथ है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये आया था ना, u इज इक्वल टू कैपिटल u y अपॉन h, उसमें y की पावर 1 होने की वजह से इसके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने क्या बोला था कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लीनियर, ठीक उसी प्रकार ये हमारे पास क्या बनेगा, पैराबोलिक। पैराबोलिक को हिंदी में बोलते हैं भाई परवलय, ठीक है, और ये परवलय आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको ऐसे ना देख लें कि सर हमारे को तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स चाहिए, या मेरे को माइनस फोर एक्स आ जाओ, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस फोर ए वाई आ जाओ, तो ही हम परवलय मानेंगे, है ना। तो आप यहाँ ध्यान दोगे, मैंने उस पहले भी बताया था जब मैं लीनियर को बता रहा था कि परवलय हमारे पास क्या बनता है, वाई की पावर 2 हो एक्स की पावर 1 हो, या एक्स की पावर 1 हो वाई की पावर 2 हो, है ना। अब ध्यान दो हमारे पास यहाँ थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, ये तो हमारे पास एक्स वाई के लिए था, यहाँ हमारे पास क्या चल रहा है, वाई की जगह तो वाई है बट एक्स की जगह क्या चल रहा है, यू चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे पास यू इज इक्वल टू यू ऑफ ए वाई था, देखो यू इज इक्वल टू यू इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली, देखो हमने डिफरेंशिएशन किया था ना डी यू अपॉन डी वाई, तो कहने का मतलब अब आप ऐसे लिख के देखो, ये तो है इसके लिए कि वाई की जगह वाई एक्स की जगह एक्स, अब हमारे पास बताओ वाई की जगह कौन है यू और एक्स की जगह कौन है वाई, देखो हमारे पास वाई की जगह कौन है यू, y की जगह कौन है u, x की जगह कौन है y, y की जगह हमारे पास कौन है u, और x की जगह हमारे पास या x स्क्वायर y इज इक्वल टू वाई यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब एक की पावर 2 आ जाए और एक की पावर 1 आ जाए तो हमारे पास हमेशा क्या बनता है परवलय। अब ये देखो यहाँ y की पावर कितनी आ गई 2 और u की पावर कितनी आ गई 1, चूंकि यहाँ u किसका काम कर रहा है x का काम है कर रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया हमारे पास परवलय, ठीक है। और परवलय भी कौन सा भाई, इसके पीछे कौन सा साइन लगा हुआ है माइनस है वाई स्क्वायर, देखो आप ये बताओ मैं आपको बोलूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स का शेप कैसे होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है y square is equal to 4x का shape क्या होता है, ये होता है। हमारे पास यहाँ क्या आ गया, y की जगह आपको क्या लिखना है u लिखना है, देखो y की जगह आपको क्या लिखना है u लिखना है, और x की जगह आपको क्या लिखना है y लिखना है, और ये मान के चलेंगे ये हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब इधर से देखोगे तो y के पीछे क्या लग रहा है माइनस साइन, माइनस साइन लगने का मतलब इसको मैं जस्ट क्या बना दूं इसके भाई माइनस साइन लगेगा तो ग्राफ इस प्रकार से तो बनेगा, मतलब इसको मैं कर दूं जस्ट उल्टा, इसको मैं क्या कर दूं जस्ट उल्टा, मतलब ये वाली शेप बने, देखो बन रही है कि नहीं बन रही उल्टे वाली शेप, है ना। तो ग्राफ में देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सा पथ है पैराबोलिक पथ है, तो जरूरी है हर बार वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स देखो तो ही आप परवलय को पहचानो, क्योंकि यहाँ हमारे पास चर बदल गए तो वाई की जगह यू आ गया और यू की एक्स की जगह कौन आ गया वाई आ गया, ये कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट के लिए हमारे पास यू मैक्सिमम भी कॉन्स्टेंट है और वन भी कॉन्स्टेंट है बी स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पैराबोलिक पाथ आ जाएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट बोल सकता था कि आप इसे याद रखो ये पैराबोलिक पाथ है, बट मैंने यहाँ टोटल ग्राफ से समझा दिया ताकि आपको कोई बातें रटनी नहीं पड़े और इतना आने के बाद आप तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ इसको पैराबोलिक पाथ है लिखना है, भूलोगे नहीं और ये डायग्राम से भी हिंट मिल जाएगी ये हमारे पास है पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। अब आप ये बताइए इसके अंदर बी क्या है और इसके अंदर ये हटा लो इसका बी क्या है भाई, बी बी है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स, बी क्या है भाई डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स,
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरालेल प्लेट्स। देखो भाई ध्यान से, बी क्या है हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरालेल प्लेट्स, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि सर हमारे पास है 2B है, देखो ये मत बोलना कि नहीं सर वास्तव में हमारे पास डिस्टेंस क्या है 2B है, आपको दिखाई दे रही है बट आपने जो भी इसके अंदर लिया था ना प्रेशर्स वगैरह, तो हम सिमेट्रिक मान के चलेंगे, आधा ऊपर आधा नीचे, तो मैंने लिखा था ना डायग्राम में पहले बनाया था, तब तो मैंने मिटा दिया कि इतना ही बी ऊपर है और इतना ही बी नीचे है, तो ये हमारे पास बी क्या होगी एक प्रकार से डिस्टेंस होगी, आपको नजर नहीं आएगी। आप तो बोलोगे नहीं सर 2B माना था हमने डिस्टेंस, मैं तो 2B ही मान के चलूंगा, ऐसे नहीं है, ये प्लेट्स बिल्कुल पास पास में हैं, तो हम जो फलों की स्पीड्स हो रही है उनके बीच की क्या ये डिस्टेंस है, ठीक है। या 2B लगाओ तो भी आपको चल जाएगा, इतना ध्यान कोई नहीं देगा, बस यहाँ आके इस रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान दे लेना और यहाँ लिख लेना विच इज ए पैराबोलिक पाथ, और विवाद से बचने के लिए नहीं याद आए तो इसको हटा सकते हो या फिर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। पर अपना ये टाइप्स सही अच्छे से ध्यान में रखना। तो ये था हमारे पास से प्लेन पोइजले फ्लो जिसके अंदर हमने यू निकाला और हमने यू मैक्सिमम निकाला। बताओ भाई यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपके कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, हमने बिल्कुल डेप्थ से, बिल्कुल बिल्कुल डेप्थ से, बिल्कुल मज़े से बता रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं तो आपका फ़ायदा होगा, और यही लेक्चर्स अगर आप एग्जाम के दिनों में देख रहे हैं तो ये आपको चिढ़ाएगा, यस, आपके अंदर ऐसे चिढ़ की भावना आएगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ आप सोचोगे रे और जल्दी बस सिलेबस हो जाए, बस हो जाए, होगा नहीं, मज़ा आएगा उस वक्त मेरे को जब जब आप प्रेशर में पढ़ते हो, और अगर टाइम निकाल के पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में, आपको पता आपके पास पूरे 6 महीने हैं या 8 महीने एग्जाम के, तब आप मज़े से पढ़ोगे और मज़ा आएगा, पूरा पैसा आपका वसूल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और ये मैं लगभग पिछले 5 साल से देख रहा हूँ कि बच्चा लास्ट में सेटिस्फाई होके जाता है और यही बोलता है कि सर आपकी फीस की कंपैरिजन में हमने आपका कई गुना फ़ायदा उठाया, ठीक है भाई। अब देखो दो ही टॉपिक हुए हैं हमारे पास, पहला क्या हुआ कि प्लेन काउटी फ्लो, देखो यहाँ हमने नंबर 1 के ऊपर क्या लिखा था, प्लेन काउटी फ्लो, क्या लिखा था भाई हमने, प्लेन काउटी फ्लो। सेकेंड हमारे पास क्या आया था भाई, ये कर ही रहे थे हमारे पास कि प्लेन पॉइजले फ्लो, प्लेन पॉइजले फ्लो, मीनिंग नहीं बिगाड़ूंगा मैं साइंटिस्ट की, बहुत अच्छे इंसान थे दोनों। अब देखो इन्होंने तो क्या बताया कि ये प्रेशर्स ग्रेडियंट है, इसको जीरो रख के करो, फिर सेकंड इसने क्या बताया कि आप इस प्रेशर्स ग्रेडियंट को जीरो मत रखो। अब एक ही रिसर्च के अंदर बैठे तो मैं फिर यही कहानी दोबारा बताऊंगा कि काउटी ने देखा कि पॉइजले ने तो बिना प्रेशर्स को जीरो मान के कर दिया, जबकि मेरे को तो जीरो मान के करना पड़ा था, तो इन्होंने वापस अपने ही इक्वेशंस को जनरलाइज किया, यस, इन्होंने वापस अपनी ही इक्वेशंस को क्या किया, जनरलाइज किया, और उसको बोल दिया गया जनरलाइज काउटी फ्लो, ठीक है। क्या बोल देंगे अब नंबर 3 के ऊपर, जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो, जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो, ठीक है भाई। तो तीसरा टॉपिक बाकायदा एग्जाम में लिख के आएगा कि जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो, मतलब इन्होंने अपने ही स्टेटमेंट को सुधारा, पहले वाले स्टेटमेंट में इन्होंने क्या किया कि प्रेशर्स ग्रेडियंट को जीरो माना, इस तीसरे वाले में वो क्या बोलेगा कि नहीं भाई हम प्रेशर्स ग्रेडियंट को जीरो नहीं मानेंगे, क्योंकि पॉइजले अगर बिना जीरो मान के कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक ही रिसर्च के अंदर थे, और ये नहीं था एक हेगन पॉइजले फ्लो था, 4-5 साइंटिस्ट के नाम आएंगे जो आगे आने वाली यूनिट में आपको मैं उसके नाम लिख के बताऊंगा कि ये तीनों चारों साइंटिस्ट थे और बार बार चलेंगे प्लेन काउटी फ्लो, ये प्लेन पॉइजले फ्लो, हेगन पॉइजले फ्लो, तो नाम तो इनके ऐसे ही है, तो आपको काम चलाना होगा इससे। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो मैं स्टोरी क्यों समझा रहा हूं, आपके पहले फायदेमंद साबित होगी कि काउटी ने पहले तो प्रेशर ग्रेडियंट को जीरो मान के किया, फिर जस्ट इन्होंने क्या किया कि नहीं भाई जीरो छोड़ो, इसको जीरो नहीं मानना है, क्यों तेरे भाई पॉइजले ने अगर इसको बिना जीरो निकाल सकता है तो तू क्यों नहीं निकाल सकता, तो इन्होंने अपने ही प्लेन काउटी फ्लो को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। मतलब आपको क्या करना है कि पहले वाले टॉपिक में आपने क्या निकाला था, डीपी बटा डीएक्स इज इक्वल टू जीरो रखा था, अब की बार उसके अंदर क्या रखना है, जीरो नहीं रखना है,
यस समझो ध्यान को, ध्यान से हम क्या करेंगे, नंबर वन वाला रिजल्ट ही पढ़ेंगे। ये हमने नंबर वन लिखा है, ये टू में लिखा है और ये थ्री में लिखा है। हम वापिस प्लेन काउटी फलों को ही लिखेंगे बस, अब की बार उसके अंदर क्या नहीं करेंगे, डीपी बटा डीएक्स जीरो नहीं करेंगे। तो अब देखो यहां मैं ना तो वो डायग्राम बनाऊंगा और ना ही मैं वो डायग्राम लिखूंगा, तो मैं यहां ऐसे लिखूंगा कि जो नंबर वन वाला था, जो नंबर वन वाला था जब प्लेन काउटी फलों, आप उसको लिखिए ऐसा का ऐसा, लिखिए सेम टू सेम, लिखिए अपने पीछे के नोट्स में देख के लिखिए। यस सेम टू सेम लिखिए, अपने नोट्स में देख के लिखिए। कहाँ तक, वहाँ एक कंडीशन आएगी लोअर प्लेट की, वहाँ एक कंडीशन आएगी लोअर प्लेट की, एक कंडीशन आएगी अपर प्लेट की। लोअर प्लेट की कंडीशन थी y इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू h, u इज इक्वल टू कैपिटल U। यस U इज इक्वल टू कैपिटल U। तो आप पीछे इनके देखिए, उसको इक्वेशन से नाम दे रखा होगा, आप खुद देखेंगे। समझ रहे हो भाई, नंबर वन वाला आपको लिखना है। मैं एक बार देखो नोट्स उठा लेता हूँ कि आपको कहाँ से लिखना है, मैं एक बार रिवाइज करके बता देता हूँ। देखो नंबर वन पे जो आपने लिखा है प्लेन काउटी फलो, तो आपका नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने भी लेक्चर इससे पिछले वाले लेक्चर में ही करवाया था नंबर वन। तो आपको ऐसा कैसा लिखना है, सेम टू सेम, और कहाँ तक लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप पहले एक बार पहले सुन लो कहाँ तक लिखना है, फिर लिखने के बाद ही आप आगे का देखेंगे। पहले तो हमने देखो प्लेन काउटी फलों का डायग्राम बना रखा है। यस हमने पहले तो क्या किया हुआ है, प्लेन काउटी फलों का डायग्राम बनाया हुआ है। वो डायग्राम आप वापस बनाओगे, उसी डायग्राम को आप क्या करोगे भाई, वापस बनाओगे। और ये डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा था, ये डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा था, ये जेड है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और इस प्रकार से फलो बन रहा है। ये मैं सब समझा चुका हूँ कि ऐसा ही हमारे पास क्यों है, इनके बीच में हमारे पास हाइट एच थी, ठीक है, हाइट एच थी। यहाँ वाई इज इक्वल टू जीरो, स्मॉल यू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ वाई इज इक्वल टू एच, और स्मॉल यू इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैपिटल यू हुआ करती थी। तो आप सेम टू सेम लिखिए, प्लेन काउटी फ्लो का सेम डायग्राम बनाएंगे, सेम लैंग्वेज बनाएंगे, या नहीं लिख पा रहे हो तो आप लिख ही पाओगे भाई, क्यों नहीं लिख पाओगे, इतने कमज़ोर थोड़ी है, पीछे के लेक्चर देख के, अगर डायरेक्ट इसमें आए तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है इसको देखने का, आप वापस मुड़ के प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे के लेक्चर्स देखिए, ठीक है। ऐसे करते करते ये आपको लिखना है जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो का 600। तो देखो आपके पास ये लोअर प्लेट की कंडीशन आ जाएगी जिसका आपको इक्वेशन 9 माना हुआ है, अपर प्लेट की कंडीशन आ जाएगी इसका आपका इक्वेशन 10 माना हुआ है। उसको लिखते आइए और अपनी मर्जी से आगे उसे इक्वेशन नंबर देते आइए फिर से। फिर आपने ऐसे निकाला था कि फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9, फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9। देखो मैं पहले वाले लिख देता हूँ, क्या लिखा था आपने, फ्रॉम इक्वेशंस 8 एंड 9, और इससे आपने क्या निकाला था, b इज इक्वल टू जीरो। देखो इक्वेशंस 8 से y की जगह जीरो रखेंगे और u की जगह जीरो रखेंगे। देखो y की जगह जीरो रखेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, u की जगह जीरो रखेंगे तो आपके पास b जीरो आएगा। इस इक्वेशन को आप फिर से लिखिए, और इक्वेशन से 9, 8 एंड 10, इक्वेशन से 8 एंड 10। देखो इक्वेशन 8 एंड 10 में आपने क्या रखा था, y इज इक्वल टू एच, यू इज इक्वल टू यू, वाई इज इक्वल टू एच, यू इज इक्वल टू यू। तो आप स्मॉल u की जगह आप क्या लिखोगे, कैपिटल U। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन μ dp बटा dx इंटू में y स्क्वायर बाई 2, और y की जगह कितना आ जाएगा, h स्क्वायर बाई 2। देखो y की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, h स्क्वायर बाई 2 प्लस a इंटू y प्लस a इंटू y। तो y की जगह आ जाएगा h प्लस b प्लस b। अब देखो पहले तो एक नंबर वाले को ध्यान दो, उस एक नंबर में क्या होता था, हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट जीरो हुआ करता था, तो हमने यहाँ उसको जीरो लिखा था। फिर हमने देख बोला कि देखो भाई इक्वेशन से 11 की हेल्प से ये b भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो u आपका कितना बचा, a इंटू h, यू आपका वहां कितना बचा था, a इंटू h। फिर तुरंत आपने a को कैपिटल u बटा h लिख दिया था, लिखा था कि नहीं भाई, कैपिटल ए को आपने यू बटा एच। बट आज हमारे पास क्या है, डी पी बटा डी एक्स। देखो ध्यान से देख लो, आपके पास वही इक्वेशंस में चेंज करना है, मतलब आपको ऐसा कैसा इक्वेशंस 11 लिखना है पीछे वाले का, और यहाँ आप ऐसे आ चुके थे ए वन अपॉन यू जीरो इंटू एच स्क्वायर बाई 2 प्लस ए एच इंटू बी, जहाँ मैंने ऐसे लिखा था कि ए इज इक्वल टू यू बटा एच। उससे पहले मैंने इसको ये भी लिखा था कि u इज इक्वल टू ये जीरो प्लस a इंटू एच,
और ये लिखा था कि यूजिंग 11, अगर आपके याद होगा नोट्स में देखा होगा कि देखो इस b की जगह आप क्या रख दो, 0 रख दो, तो आपके पास a का मान कितना आ गया था, u बटा h आ गया था। a का मान हमारे पास कितना आ गया था भाई, कैपिटल u बटा में h आ गया था। बट आज हमारे पास ये dp बटा dx क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसकी लैंग्वेज लिखो स्टार्टिंग में, देखो जब आप प्लेन काउटी फ्ले की लैंग्वेज लिखोगे तो आपको उस डायग्राम में मैंने dp बटा dx को 0 लिखवा रखा है, यहाँ चेंज करो, यहाँ सेम टू सेम लिखना है, बस यहाँ चेंज करो, जहाँ dp बटा dx लिखा है वहाँ आप नॉट इज इक्वल टू 0 लगा दो, लगाओ भाई अभी बाद में भूल जाओगे, क्या करोगे dp बटा dx को 0 करो। वहाँ लिखा होगा ना आपने कि अदर मूविंग ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी u इज नॉन प्लेट एंड द प्रेशर ग्रेडियंट इज टेकन टू बी 0, वहाँ आपने लिखा था प्रेशर ग्रेडियंट इज टेकन टू बी 0, मैं लिख देता तो ये ठीक रहता, पर आप लिख लोगे प्रेशर ग्रेडियंट इज टेकन टू बी आपने 0 लिख रखा है, बस आप 0 के पीछे नॉन वर्ड और जोड़ो कि नॉन जीरो, आई ई वहाँ आपने ऐसे लिख रखा है आई ई डी पी बटा डी एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखो आई ई डी पी बटा डी एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, बस इतना सही है, बाकी सब लैंग्वेज सेम है, सब कुछ हमारे पास इसमें ऐसा का ऐसा रखना है। तो जहां आपने वो लैंग्वेज थी प्रेशर ग्रेडियंट इज टेकन टू बी 0, 0 से पहले नॉन 0, इसको नॉट इज इक्वल टू 0 करो, आज ये हमारे पास 0 नहीं होगा भाई, उसमें तो डी पी बटा डी एक्स 0 था, यहां हमारे पास डी पी बटा डी एक्स 0 नहीं है, तो मैं इसको ऐसा का ऐसा लिख लेता हूं, हम इसको डी पी बटा डी एक्स को ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप निकालो a की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये कितना बचेगा, कैपिटल u इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू और ये dp बटा dx इंटू एच स्क्वायर बाई 2 प्लस a इंटू एच और प्लस 0, और इसको आप लिखोगे यूजिंग, और जो भी आप इक्वेशंस नंबर नाम दोगे वो अपने को इक्वेशंस नंबर नाम ही देना है। देखो पीछे शायद हम इक्वेशन से लगभग इक्वेशन से 20 कहाँ तक चल चुके हैं भाई, अब आप कैसे बता पाओगे, तो मैं आपको आइडिया बताऊं, तो अगर आप लगभग इक्वेशंस 20 तक चल चुके हैं, देखो आप कहीं तक भी चलो, अगर आप इक्वेशंस मान लो आप इक्वेशंस 20 तक आ गए हैं तो आप इसको इक्वेशंस 21 नाम दे दो, चलो अब मैं नाम दे रहा हूँ एक बार, इसको आप इक्वेशंस 21 नाम दे दो, इसको आप इक्वेशंस 22 नाम दे देना, बस इक्वेशन ही चेंज करने हैं, ये इक्वेशंस 23, तो यूजिंग इक्वेशंस 23, तो ए का मान हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, ए का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, ये एच से एच इधर और आ जाएगा ना, देखो एक एच कॉमन लेके किस में चला गया, 0 के अंदर, तो ए इज इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का 1 अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू एच बटा 2, देखो यहाँ से एच कॉमन ले को एक एच कॉमन लेके आप 0 में भेज दो, तो ए की वैल्यू ये इधर खिसका के लाओगे लेफ्ट साइड में, तो माइनस का 1 अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू एच बाई 2, इसे आप इक्वेशंस नंबर 24 दे दो, हो सकता है आपके इक्वेशंस बिगड़ जाएं, यस हो सकता है आपके इक्वेशंस नंबर, पर आप कंटिन्यूसली ध्यान रखो इसका और एक सेम लैंग्वेज आप मेंटेन करो, ठीक है। जो भी इक्वेशंस आप अपनी मर्जी से देते हुए आ रहे हैं उसी इक्वेशंस को आप करते रहो, और मेरे वाले से मैच नहीं करना, क्योंकि मेरी इक्वेशंस भाई साथ साथ रफ करेंगे तो कितनी सारी इक्वेशंस ध्यान में रखेंगे कि कौन सी कहाँ लिखी है, मैं तो बस केवल टारगेट पे ध्यान रखता हूँ कि हमें याद क्या करना है कि हमारे पास ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है। उस टाइम में ये हमारे पास ए यू बटा एच आ गई थी क्योंकि उस वक्त डी पी बटा डी एक्स 0 था, बस इसमें फर्क है प्लेन काउटी के जनरलाइज में यही फर्क है, इसको आपको नॉन जीरो रखना है, बाकी आप सेम टू सेम लैंग्वेज लिखोगे, लास्ट तक कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। अब इसके बाद जो चेंज होगा वो मैं बता ही रहा हूँ, तो अब आपको फिर से क्या करना है, ए बी की वैल्यू उठा के अपने को वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन के अंदर रखना है, तो आप बोलो फ्रॉम इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 8, 23 एंड 24, ठीक है, यहाँ हो सकता है आपके इक्वेशन जो भी हो आप समझ गए होंगे, चलो रखो इसके अंदर, तो ये कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस a, a की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 1 अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू एच बाई 2 इंटू में y प्लस b, प्लस b, b का मान क्या गया 0 आ गया, ठीक है। तो अब की बार अपने पास नए तरीके से करेंगे, नया तरीका क्या है, बस ये नॉन जीरो होने की वजह से अलग अलग वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू वही सेम रह गई, तो ये आ गया। अब इसके अंदर कर लो थोड़ा बहुत जो भी चेंजमेंट आ रहा है, ये वाई स्क्वायर का है और ये हमारे पास है वाई का है, जो कॉमन आए उसको आप कॉमन ले लो,
जो हमारे पास कॉमन आए उसको आप क्या करोगे, कॉमन ले लो, तो ये और ये a इंटू वाई प्लस बी। देखो कहीं भी आप गलती मत कर देना भाई, क्योंकि गलती करेंगे तो आगे चल के हमारे पास रिजल्ट से मिलेंगे नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है ना, आप उसके अंदर कॉमन ले लो, तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा भाई, एक तो dp बटा dx आ रहा है, इसको एक बार करने दो ध्यान से देखो, एक तो हमारे पास एक कॉमन आ रहा है 1 बाई 2 और म्यू, ऐसे ले लो 1 बाई 2 म्यू टू 1 बाई 2 म्यू, साथ साथ करते रहो आप भी, और एक आ जाएगा dp बटा dx कॉमन, एक हमारे पास क्या आ जाएगा dp बटा dx कॉमन, तो ये कितना बचेगा y स्क्वायर प्लस इंटू माइनस वाई हो जाएगा 1/2 म्यू dp बटा dx, और ये कितना आएगा मेरे पास है एच वाई, ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई एच वाई आ जाएगा, ठीक है। और हाँ यही आएगा इसके अंदर से, और देखो हम भूल गए भाई कुछ साथ साथ, क्योंकि हमारे पास कंडीशन रखेंगे उस वक्त u की जगह हमारे पास क्या रखना होगा कैपिटल u, देखो इस u की जगह हमको क्या रखना होगा भाई कैपिटल u, और y की जगह अपने कंडीशन में कितना रखा था h रखा था, तो आप इसको ध्यान से देखना भाई, मैं इसका डायरेक्ट एक बार देख के ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन बीच में कुछ स्टेप्स हैं उनको रफ कर चुके हैं, तो अपन अपने PDF नोट्स की हेल्प लेंगे, तो वहाँ हमारे पास जनरलाइज प्लेन काउटे फ्लो ऐसे आ जाएगा। देखो हम पीछे की कुछ स्टेप्स भूल चुके हैं, एक बार मैं उनको वापस बताऊंगा, सॉरी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, कि क्या था हमारे पास, एक तो इक्वेशंस नंबर 23 के अंदर, मैं डायरेक्ट दोबारा कंडीशंस लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि रफ करते हैं तो कुछ कुछ भूल जाते हैं, सॉरी इसके लिए। एक तो लोअर प्लेट की कंडीशन आई थी, एक तो हमारे पास लोअर प्लेट की कंडीशन आई थी u इज इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन में तो हमारे पास ये इक्वेशंस नंबर 23 आपने जो माना है वो ठीक है। फिर हमने ऐसे बोला था ना कि यूजिंग इक्वेशन से 8 एंड 10, तो 8 एंड 10 की बजाय आपने जो भी यहाँ नाम दिए उसको मानेंगे, उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन लगानी है अपने को, अपर प्लेट की कंडीशन लगानी है, और अपर प्लेट की कंडीशन में u इज इक्वल टू क्या है कैपिटल u, और a की जगह हमारे पास y एच की जगह हमारे पास क्या है सॉरी यहाँ u इज इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, और यहाँ हमारे पास अपर प्लेट की कंडीशन में y इज इक्वल टू h, तो हमने यहाँ u की जगह ये कैपिटल u रखना भूल गए थे भाई, बाकी तो मैंने आपको बता दिया था ठीक ठीक है। तो u की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर रखें कैपिटल u इज इक्वल टू 1/μ dp बटा dx इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, तो वाई स्क्वायर बाई 2 कितना आ जाएगा एच स्क्वायर बाई 2 प्लस a इंटू वाई, तो y की जगह कितना आ जाएगा एच प्लस बी, और b को हमने यहाँ से क्या कर दिया 0। अब हमें यहाँ a की वैल्यू निकालनी है, पहले मैंने क्या लिखा दिया था इसका u लिख दिया था, और u मेरे पास ये 0 बन गया था, मेरी हैंड राइटिंग की वजह से 0 बन गया था, फिर मैंने बोला देखो भाई एक h से h काट के इसको 0 में ले जाओ, और अपन फंस गए यहाँ आने के बाद, क्योंकि इक्वेशन सेट नहीं होगी, तो ये कैपिटल u था, तो मैंने पहले u लिखा और फिर मेरा ही लिखा हुआ 0 बन गया है ना, तो आप भी प्रैक्टिस करना भाई, आपसे भी भूल हो सकती है, मेरे से भी भूल हो सकती है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालो, तो देखो अब हमारे पास यहाँ अब ऐसे लिख लो कि ए एच इज इक्वल टू कैपिटल u माइनस 1/μ dp बटा dx इंटू एच स्क्वायर बाई 2, इसको इधर ले आओ, तो u माइनस होगा, पहले हमने 0 माइनस करके h से h काट दिया था है ना, शायद आप भी सोच रहे होंगे उस वक्त, अगर अच्छे से ध्यान है तो आपका। अब बताओ एक कितना आ जाएगा u बटा h, इधर ले जाओ, अब एक h कटेगा, अब ठीक है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस वो u 0 बन गया, तो हम कहीं से कहीं और पहुंच गए, तो आप देख सकते हैं गलती होगी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। अब यहाँ इसको आप इक्वेशन नाम 24 दो, अब बोलो कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 8, 23 एंड 24, अब कोई गलती नहीं होगी भाई ठीक है। अब मैंने इसका देख लिया कि अपने पास यही गलती हुई थी, तो एक तो रखो a की जगह और b की जगह आपको क्या रखना है 0 रखना है, चलो रखो इस इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू 1/μ, u इज इक्वल टू 1/μ dp बटा dx और y स्क्वायर बाई 2 ठीक है, प्लस कैपिटल a इंटू वाई, और कैपिटल a की जगह आप क्या रखोगे u बटा h, प्लस कैपिटल a की जगह आप क्या रखोगे u बटा h माइनस 1/μ dp बटा dx h बटा 2 और a इंटू में क्या है y,
प्लस बी, यहाँ इक्वेशन थे इसमें बी क्या था, जीरो था। ठीक है, पहले हमारे पास ये आया था ए, क्योंकि इसको हमने जीरो मान के गलती से कर दिया था, पर ये कैपिटल यू अपॉन एच है। अब इसको थोड़ा सा ओपन करो, क्योंकि मैंने दिमाग लगाया कि यू और कैपिटल यू दोनों साथ चलेंगे, तो हमारा पहले ये कैपिटल यू वाला गायब हो गया था, जबकि ये वाला कैपिटल यू गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई इसके ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है ही, अगर इसको ये हम हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, है ना। अब इसको सेट करो तो ये कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू में वाई स्क्वायर बाई टू, ये y इसके साथ लेके आओ तो ये कितना आ जाएगा, u बटा यू वाई बटा एच, और माइनस ये y इसके साथ भी लेके आओ तो वन अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू एच बाई टू और ए वाई। अब देखो इसको तो अलग रहने दो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो मैं इसको गलती से बच से और पहले ले लेते हैं, कैपिटल यू अपॉन वाई यू वाई अपॉन एच प्लस वन अपॉन म्यू टू म्यू और डी पी बटा डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, वन अपॉन टू म्यू डी पी बटा डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो ये तो बचा वाई स्क्वायर और ये बचा माइनस ही वन अपॉन टू म्यू डी पी बटा डी एक्स कॉमन आ गया, और ये बचा मेरे पास है एच वाई, ये मेरे पास कितना बचा भाई एच वाई बच गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो एक वाई आप और कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप एक वाई कॉमन ले सकते हो, और नहीं लो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास कितना आ गया, यू इज इक्वल टू कैपिटल यू वाई अपॉन एच प्लस वन अपॉन टू म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर से माइनस एच वाई। ओके, अब इसके अंदर देखो हमको क्या करना है कि मैं यहाँ एच स्क्वायर और कॉमन लेता हूँ, क्यों कॉमन लूंगा, जिस प्रकार पहले मैंने वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बनाया था, देखो पहले वाले के अंदर मतलब प्लेन पोइजले फ्लो के अंदर, क्योंकि ये काउटी साथ बैठा है पोइजले के, क्योंकि पोइजले ने अगर बिना जीरो के निकाला है प्रेशर ग्रेडियंट को तो ये भी निकालेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके हिसाब से निकाल के लाया कि उन्होंने वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किया, उसकी प्लेटों के बीच की दूरी टू बी थी तो बी लिया, अपने यहाँ प्लेटों की दूरी कितनी है एच है, अपने यहाँ प्लेट्स की मतलब अपनी नहीं मतलब काउटी के लिए प्लेट की क्या मान के चला था एच, पोइजले ने एच नहीं मान के बी मान लिया, तो अपने बी की जगह क्या रखेंगे एच, मतलब कहीं ना कहीं अपने को क्या लेके आना है वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लाने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये यू वाई अपॉन एच है। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, एक तो मैं छोड़ता हूँ इसको माइनस साइन कॉमन करता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ एच स्क्वायर अपॉन टू म्यू एच स्क्वायर अपॉन टू म्यू डी पी बटा डी एक्स, ध्यान दो एक तो मैंने माइनस साइन ले लिया तो ये कितना बच गया एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, पहले देखो एक तो हमने माइनस साइन ले लिया क्योंकि अपने को माइनस का भी चाहिए वाई स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का साइन ले लिया तब तो ये बच गया एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, मैंने एच स्क्वायर और ले लिया, और एच स्क्वायर इधर लेंगे तो आपको पता है एच स्क्वायर इधर भी लिखना होगा और एच स्क्वायर इधर भी लिखना होगा, यहाँ एक एच से एक एच कैंसिल तो ये कितना बच गया वाई अपॉन एच माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, और वजह थी दोनों भाइयों के कंपटीशन की होड़ लगी हुई थी जो अपने को भुगतनी पड़ रही है, और भुगतनी नहीं रिस्पेक्टिवली लड़ोगे तो यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर सबको निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो इस इक्वेशंस को आप ध्यान में रखोगे, u इज इक्वल टू कैपिटल यू वाई अपॉन एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू म्यू डी पी बटा डी एक्स वाई अपॉन एच माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो आप ये ध्यान रखोगे, इसी इक्वेशंस को मैं थोड़ा सा और जनरलाइज कर रहा हूँ, जिसके लिए हम कुछ ग्राफ्स में देख के बताएंगे कि यू वाई अपॉन एच, देखो ये तो फिक्स रह जाएगा कैपिटल यू वाई अपॉन एच, कैपिटल यू वाई अपॉन एच मैं यहाँ ले रहा हूँ प्लस का पी और इनटू में कैपिटल यू, इसके पीछे एक वजह, हम यहाँ एक बैक फ्लो का ग्राफ बनाएंगे, तो मैंने लिख दिया प्लस का पी इनटू कैपिटल यू और इसको मैं रहने दिया ऐसा का ऐसा वाई अपॉन एच माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया, तो अब आपके ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, तो बताएंगे कि वेयर हमारे पास पी क्या है, वेयर हमारे पास है, अब हमने इसको सारे को बदल के क्या कर दिया छोटा पी कर दिया, तो अब बताइए पी क्या है हमारे पास है, किसकी जगह लिखा है माइनस वन अपॉन टू म्यू, माइनस वन अपॉन टू म्यू, माइनस वन अपॉन टू म्यू डी पी बटा डी एक्स इंटू एच स्क्वायर, डी पी बटा डी एक्स इंटू एच स्क्वायर,
वेयर p इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 म्यू। देखो इसकी जगह हमने क्या लिखा है, माइनस का 1 अपॉन 2 म्यू, ठीक है, ये ले लिया, dp बटा dx h स्क्वायर ले लिया। देखो p के साथ हमने u लगाया है, तो यहां आप u का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे, ठीक है भाई, आप वापस क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, वेयर स्मॉल p इज इक्वल टू, ये आ गया। कहने का मतलब इसी इक्वेशंस को मैंने कुछ खास रीजंस की वजह से यहां एडजस्ट किया, जो हम बैक फ्लो में ग्राफ बनाएंगे। तो इस इक्वेशन को आपने प्लस पी करोगे तो आपको दिखाना होगा कि देखो भाई पी की जगह क्या है, माइनस का 1 अपॉन 2 म्यू यू डी पी बटा डी एक्स इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये सेट हो जाएगा, वापस आप पी की वैल्यू यहां ये रख के देखोगे तो यही आएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो ये हम एक बैक फ्लो का ग्राफ बनाएंगे, जो मैं अभी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं भाई, तो बस ये कहानी थी जनरलाइज प्लेन काउटे फ्लो की। तो मतलब हमारे पास पहले वाला ही प्लेन काउटे फ्लो है, आज हमारे पास ये डी पी बटा डी एक्स जीरो नहीं बना, क्योंकि इसकी होड़ की वजह से इन्होंने भी इसको जनरलाइज कर दिया, ठीक है भाई। तो देखो इसी इक्वेशन से मैंने ये लिखी है, तो इस इक्वेशन को मैं एक बार रब कर देता हूँ। वास्तव में इस जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो का आंसर ये है भाई, आप लिखोगे कि हाँ हमारे पास आके जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो का आंसर खत्म हो जाता है। अब हम आगे इसके छोटा सा एक टॉपिक करेंगे बैक फ्लो का, तो उसकी वजह से मेरे को ये ऐसा लिखना पड़ा। तो पहले तो आपने क्या लिखा कि P इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 म्यू कैपिटल U इंटू डी पी बटा डी एक्स इंटू एच स्क्वायर, और इसको लिखो नॉन डाइमेंशनल प्रेशर्स। इसको आप क्या लिखोगे भाई, नॉन डाइमेंशनल प्रेशर। देखो स्मॉल p क्या बताता है, प्रेशर बताता है, इसको हमने बोल दिया नॉन डायमेंशनल, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं है। क्यों दिशा नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से u के इज इक्वल टू अंदर, मतलब u में इस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास है, ये किसका फंक्शन है, u इज इक्वल टू u ऑफ y का, जबकि हमारे पास इस प्रेशर्स के लिए कोई y इधर नहीं दिखाई दे रहा। देखो क्या आपको y दिखाई दे रहा है, नहीं, इसका मतलब इसकी कोई दिशा नहीं है, ये नॉन डायमेंशनल प्रेशर है गया। इसी बात को आप थोड़े से और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना और लिख लेता ये लाइन की, इट इज क्लियर दैट, ठीक है, ये जो मैं समझा रहा हूं कि भाई यहां वाई नहीं है, इसकी वजह से नॉन डायमेंशनल है, इसी को हम यहां लिखेंगे कि इट इज क्लियर दैट द वेलोसिटी फ्लूड, इट इज क्लियर दैट द वेलोसिटी फ्लूड, इट इज क्लियर दैट द वेलोसिटी फ्लूड विल डिपेंड ऑन, विल डिपेंड ऑन, बताओ भाई किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, द नेचर ऑफ, पहले लिख लेता हूं मैं, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ नॉन डायमेंशनल, नॉन डायमेंशनल प्रेशर, नॉन डायमेंशनल प्रेशर, ठीक है। इट इज क्लियर दैट द वेलोसिटी फ्लूइड विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ नॉन डायमेंशनल प्रेशर से, पूरा लिख दो ना, प्रेशर से, नॉन डायमेंशनल से प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट लिखो और प्रेशर ग्रेडियंट को आप पी लिख दो, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट पी, एंड देयर फॉर पी, एंड देयर फॉर, एंड देयर फॉर थ्री डिफरेंट केसेस, थ्री डिफरेंट केसेस, थ्री डिफरेंट डिफरेंट केसेस आर फॉलोइंग हियर, आर फॉलोइंग हियर, कहने का मतलब हमारे पास यहाँ थ्री डिफरेंट केसेस आ जाएंगे। कौन कौन सा केसेस आ जाएगा, जो हम इस प्रेशर्स वाले की बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे पास कंडीशन फर्स्ट आ जाए कि प्रेशर्स ग्रेटर जीरो हो, हो सकता है हमारे पास है, आप ऐसे लिखोगे केस फर्स्ट, अगर हमारे पास आ जाए केस फर्स्ट प्रेशर हमारे पास है ग्रेटर जीरो हो, देन डी पी बटा डी एक्स यानी तब हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हो सकता है हमारे पास केस सेकंड में क्या आ जाए कि प्रेशर हमारे पास क्या आ जाए, लेस जीरो, उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, पहले आप यहाँ तक उतारो कि ये जो P है ये प्रेशर्स को डिनोट करता है, ये कौन सा प्रेशर है, नॉन डायमेंशनल प्रेशर है। तो हमने लिख दिया कि इट इज क्लियर दैट द वेलोसिटी फ्लूइड विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ नॉन डायमेंशनल प्रेशर ग्रेडियंट P, एंड देयरफॉर थ्री डिफरेंट केसेस, मतलब हमारे पास यहाँ थ्री केसेस देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, केस फर्स्ट, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट प्रेशर इज ए पॉजिटिव, केस फर्स्ट प्रेशर से ग्रेटर जीरो,
देन डेपी बटा डी एक्स, यानी प्रेशर, ये है प्रेशर और ये प्रेशर ग्रेडियंट, ये हो जाएगा नॉन जीरो। क्यों भाई, सोच के देखो, ये पी पहले हमने क्या लिया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, पी है हमारे पास 1/2 μ dp/dx into h² स्क्वायर, है ना। पहले इसके अंदर कांस्टेंट कौन है उसको देखो, म्यू विस्कस कोएफिशिएंट कांस्टेंट, कैपिटल यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट, एच इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट। तो अगर पी ग्रेटर जीरो होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर जीरो, तो ये कांस्टेंट है 2 μ u जीरो में चला गया, एच स्क्वायर भी किस में चला गया, जीरो में, यानी माइनस का dp/dx क्या गया, जीरो। अब माइनस साइन को इधर भेजेंगे तो ऐसे मत बोल देना कि माइनस है नेगेटिव में चला गया, ये आपको खूब अच्छे से पता है, मैं ऐसी छोटी बातें नहीं बताऊंगा, दोनों तरफ माइनस करोगे तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, तो देन dp/dx क्या आ जाएगा, लेस ही जीरो। मतलब इन द प्रेशर्स, मतलब इन दिस केस इफ, मतलब ऐसे बोलो कि इफ द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इज, प्रेशर क्या है भाई, पॉजिटिव, यानी डिक्रीज हो रहा है, इफ द प्रेशर इज डिक्रीज इन That direction, पहले इसको लिखो, इन दैट डायरेक्शन, मतलब दी गई डायरेक्शन के अंदर अगर प्रेशर से डिक्रीज हो रहा है, देन प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा भाई, नेगेटिव, यानी लेस हो जाएगा, देन प्रेशर से ग्रेडियंट, इफ द प्रेशर से इज हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दैट डायरेक्शन से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव। चलो इसको दर्शा दो, या से आप इसको दर्शा दो कि अगर आपके पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी भाई, इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब घटना, अगर आपके पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उस वक्त प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो रहा है, आपके पास है डिक्रीज हो रहा है, उस वक्त प्रेशर ग्रेडियंट आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जस्ट इसका उल्टा कर लो केस सेकंड, केस सेकंड हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है हमारे पास प्रेशर से माइनस की ओर चले जाए, मतलब पानी से अचानक से पानी वापस ही, कभी कभार मोटर खींच लेती है, जब शहरों में जो लोग रहते हैं वो तो पानी चलाते हैं, जो पानी की टंकी चलाते हैं ना सुबह सुबह मोटर पानी में टंकी ऊपर चढ़ाने के लिए, उसका बहुत बार वापस नल की पीछे खींच लेती है, मतलब उसका प्रेशर किस में चला गया, नेगेटिव में। उस कंडीशन में बताओ, यहाँ पी को क्या लिखूंगा, लेस जीरो, तो दोनों तरफ माइनस करूंगा तो dp/dx क्या हो जाएगा, मतलब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो आप यहां क्या लिखोगे, इसी लाइन को लिखूंगा मैं, इफ द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, मतलब इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इसकी जगह क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग इन दैट डायरेक्शन, देन प्रेशर ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब जस्ट इसके इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दो, डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर दो। केस थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है, कि हो सकता है प्रेशर जीरो हो जाए, यानी हमने मोटर को कर दिया बंद, पानी हो गया हमारे पास है बंद, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये प्रेशर जीरो, तो हमारे पास है dp/dx भी क्या जाएगा, जीरो। और आपको पता है dp/dx इज इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज प्रेशर इज ए कॉन्स्टेंट। अरे जीरो हो गया हमारे पास, कॉन्स्टेंट हो गया, ना घटा ना बढ़ा, सब शांत है ना। तो लेक्चर भी हम लगभग यहाँ भी स्टॉप करने वाले हैं, मतलब प्रेशर लेक्चर का भी जीरो करने वाले हैं, फिर समझ लो 5-4 मिनट और छोटी मोटी बातें और समझाते जाऊँ, चलता चलता समझ गए भाई। यहाँ हमारे पास प्रेशर्स की तीन कंडीशन होंगी, प्रेशर पॉजिटिव होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, प्रेशर नेगेटिव होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, प्रेशर जीरो होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट भी जीरो होगा, ठीक है। इन तीनों केसेस को और सिचुएशंस को रखो ध्यान में। अब हम बिल्कुल रेडी हैं ग्राफ बनाने के लिए बैक फ्लो का, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आप इसे अच्छे से उतारो और ये टॉपिक हमारे पास जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमें इसका डायग्राम बनाना है, यस, अब हमें इसका डायग्राम बनाना है, तो चलिए डायग्राम बनाएंगे। तीनों कंडीशंस को आप रखोगे ध्यान में, तीनों कंडीशंस को आप क्या रखोगे भाई, ध्यान में रखोगे। और कंडीशंस कौन सी, प्रेशर्स केस फर्स्ट में जीरो है तो प्रेशर्स ग्रेडियंट dp/dx लेस जीरो, सेकंड में प्रेशर्स लेस जीरो है तो dp/dx ग्रेटर जीरो, और हमारे पास प्रेशर्स जीरो है उस कंडीशन में dp/dx भी जीरो है, ठीक है। अब हमें एक बैक फ्लो का ग्राफ बनाना है, तो आप लिखोगे पहले यहाँ बैक फ्लो, पहले आप यहाँ क्या लिखोगे भाई, बैक फ्लो, ताकि अब भी जब भी आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको पेपर में नाम दिखाई दे जाए कि हाँ भाई ये हमारे पास बैक फ्लो का क्या है, ग्राफ है।
ओके तो देखो अब बैक फ्लो के ग्राफ को बनाने के लिए पहले आप सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आप एक छोटी सी चीज़ सोचो कि मैं इस कैपिटल यू को इधर ले आऊँ क्या। देखो इसमें कैपिटल यू है, इसमें कैपिटल यू है, तो मैं कैपिटल यू को अगर कॉमन लेके इधर लाता हूँ तो यहाँ से यू हटा दूँ, ये भी यही समझ लो, और यहाँ से यू हटा दूँ, मतलब मैंने ये कैपिटल यू हटा के मैं इधर ले आया, तो इस साइड में मेरे पास कितना बचा है भाई, यू अपॉन कैपिटल यू, और इस साइड में वाई अपॉन एच, वाई अपॉन एच या वाई अपॉन एच का होल स्क्वायर, मतलब इस साइड में फंक्शन है यू अपॉन यू का और इस साइड में फंक्शन है वाई अपॉन एच का, मतलब जब भी ग्राफ बनाते हैं ये अक्ष लिखते हैं और ये वाई लिखते हैं, तो एक साइड में तो अपन क्या लिखेंगे अक्ष के लिए, तो अपन क्या लिखेंगे यू अपॉन यू, और वाई के लिए क्या लिखेंगे वाई अपॉन एच, समझ रहे हो ना भाई, ऐसे ग्राफ बनाते थे ना कि मतलब ये डिस्टेंस जा रही है या ये टाइम जा रहा है और ये हमारे पास दूरी जा रही है ऊपर की ओर, तो हमारे पास एक तो क्या काम में लेंगे u बटा कैपिटल u और एक हम क्या लेंगे y बटा h काम में, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें सीख लो, कहीं ऐसी बातें नहीं बताई जाती हैं, उसके पीछे वजह होती है कि आजकल कॉलेजों में सेलेक्टेड टीचर रहते हैं, कोर्स का प्रेशर रहता है, आप भी आधी बार क्लासेस अटेंड नहीं करते और ऐसे चलता है, फिर आधी छुट्टियां आ जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ आ जाता है, तो जब भी आपको बैक फ्लो का डायग्राम बनाना है आप इसके अंदर से, मैं यहाँ लिख लेता हूँ अब एक बार थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। ओके जी, अब हम बनाएंगे बैक फ्लो, अब हम क्या बनाएंगे भाई बैक फ्लो का डायग्राम, आपको बिल्कुल डायग्राम ऐसे बनाना है, पहले तो अपने वो प्लेट बनाओ, क्योंकि आप देख रहे होंगे टॉपिक का नाम मैंने अभी तक नहीं हटाया है, यहाँ से आपने लेक्चर टू में भी यही लिखा हुआ देखा, थ्री में भी ये देख रहा हो, और ये जो फोर चल रहा है इसके अंदर भी आप यही देख रहे हो, इसका मतलब ये टॉपिक हमारे पास ही बड़ा है। पहले तो हमने क्या बना ली, प्लेट बना ली दोनों, प्लेट बनाने के लिए अभी देखो साथ ही इसके डायग्राम को भी ध्यान रखना भाई, मैं ये हटा देता हूँ इनसे, साथ में इसके डायग्राम को भी ध्यान रखना, जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो का डायग्राम क्या था, ये था ना आपके पास एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, वाटर जा रहा था इस वाले डायरेक्शन के अंदर यस, और कुछ ऐसे था, देखो कुछ ही ऐसे था, यहाँ कितना था वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू एच, यू इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू कैपिटल यू, तो पहले तो आप यहाँ बनाओगे वाई इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू, या चलो पहले यू को लिख लो, यू इज इक्वल टू जीरो और कैपिटल वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, u इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, तो यहां क्या लिखोगे u इज इक्वल टू कैपिटल u और y इज इक्वल टू कैपिटल h, सॉरी स्मॉल h, y इज इक्वल टू स्मॉल h, ठीक है, और इस प्लेट के साथ ही ले जाओ कि आगे हमारे पास ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है, देखो इस डायरेक्शन के साथ ही ले जाओ, आगे हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है, अब इसके यहाँ एक डायरेक्शन ले लो ऊपर ले जाओ, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये तीसरी हमारे पास कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है, तीसरी हमारे पास कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, देखो एक साइड में तो हमारे पास क्या बनेगा यू अपॉन यू, मतलब एक साइड में तो हमारे पास क्या बनेगा भाई यू अपॉन यू, और एक साइड में क्या बनेगा वाई बटा एच, यानी यहां मैं लिख सकता हूं कि ये जो ग्राफ जा रहा है ये किसका जा रहा है ऊपर की ओर y बटा h का, और इस साइड में जो ग्राफ जा रहा है x डायरेक्शन की ओर ये हमारे पास किसका जा रहा है u अपॉन कैपिटल u का, तो आप ऐसे लिखोगे u अपॉन कैपिटल u इधर चला गया और इसका जो फंक्शन y अपॉन h का था ये ऊपर की ओर चला गया, अब मैं इसे हटा रहा हूं ताकि हमारे पास कुछ कुछ स्पेसें रहे, ठीक है भाई, यहाँ तक मेरे हिसाब से बैक फ्लो के डायग्राम में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, और इसकी साथ साथ हाइट भी दर्शा दो भाई, और ये बैक फ्लो किसके लिए है भाई, नंबर तीन के लिए, जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो के लिए, ये हमारे पास क्या आ गई भाई इसके अंदर हाइट आ गई, कोई डाउट यहाँ तक नहीं भाई, यहाँ तक कोई डाउट से नहीं रहना चाहिए, ये भी तर्क है कि मैंने यू अपॉन कैपिटल यू को लिखा उस इक्वेशन से देख के लिखा है, और ये वाई अपॉन एच ऊपर की, ठीक है, देखो साथ साथ ये डायग्राम बन रहा है ना, तो इसको डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लेना, साथ साथ हमारे पास ये डायग्राम बन रहा है, मतलब अगर आपने ध्यान से देखा हो तो स्टार्टिंग में ये प्लेट क्या थी, काउटी फ्लो के लिए स्थिर थी, दूसरी प्लेट क्या कर रही थी, इसके ऊपर मूव कर रही थी, तो मतलब पानी हमारे पास स्टार्टिंग में यहाँ जाएगा, मतलब इस किनारे के सारे सारे हमारे पास कोई प्रेशर से नहीं है, पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ थोड़ा सा प्रेशर होगा, उसको हम बोलेंगे पी इज इक्वल टू वन, फिर हमारे पास यहाँ प्रेशर होगा,
कोई भी एक पॉइंट सा फिक्स कर लो जहाँ देखना चाह रहे हैं, प्रेशर P इज इक्वल टू टू, फिर हमारे पास कोई ना कोई प्रेशर होगा P इज इक्वल टू थ्री। यानी जब जब हमारे पास पॉजिटिव रहेगा तो ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता जाएगा, धीरे 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 ये कम होता जाएगा। अब इसका उल्टा कर लो, ये कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू माइनस वन, ये कितना आ जाएगा भाई, प्रेशर अगर हमारे पास नेगेटिव होगा तो मान के चलेंगे कि पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस वन के लिए। देखो पहले तो बिल्कुल थोड़ा सा कम, तो जीरो से ये क्या आ जाएगा, अगर ये हमारे के पास ओरिजिन पॉइंट है तो आप इसको हल्का सा इधर ले आओ, फिर हम क्या करेंगे P इज इक्वल टू माइनस टू, P इज इक्वल टू माइनस टू, तो देखो थोड़ा सा ये पीछे की ओर आ गया। फिर हम क्या बोलेंगे भाई, P इज इक्वल टू माइनस थ्री, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर ये पॉइंट है P इज इक्वल टू माइनस थ्री के ऊपर। तो आपने देखा होगा इस साइड में जस्ट मेरे हैंड राइटिंग से राइट साइड के अंदर तो टोटल क्या है, डायरेक्शन पॉजिटिव है, और इसके जस्ट पीछे क्या है, डायरेक्शन से नेगेटिव है। और आप पहले इधर लिखोगे कि जो वाटर है उसकी डायरेक्शन हमारे पास इस डायरेक्शन की ओर जा रही है, वाटर की डायरेक्शन से मतलब जो पानी जा रहा है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में, आप बीच बीच के ऐसे एरो के साइन लगा दे भाई, ठीक है, बीच बीच के आप इसमें आरो के साइन लगा देना, पानी हमारे पास लगातार इधर जा रहा है, पर ध्यान देना यहां हमारे पास जैसे ही पानी आगे जाएगा तो प्रेशर की वजह से मोटर पीछे फेंकेगी। यस, जो ये लाइन बनाई है इसके अंदर डायरेक्शंस क्या है, नेगेटिव है, यहां जस्ट पॉजिटिव है, क्यों, पानी तो जा ही रहा है, तो जैसे जैसे प्रेशर घटाते जाएंगे तो हमारे पास जस्ट ये प्रेशर पीछे की ओर आ जाएगा। और देखो अब ये जो ग्राफ बना है इधर से, देखो एक बार ध्यान से देखो, ये तो पॉजिटिव ग्राफ है, इस साइड में तो हमारे पास क्या चला गया, पानी की दिशा के अंदर ही चला गया, मतलब इतना सारा पानी तो हमारे पास बाहर जा रहा है और इस बाउंड्री के अंदर अंदर है। देखो जो इस बाउंड्री के, मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं, इस बाउंड्री के अंदर अंदर है, ये कौन सी डायरेक्शन में ले आए, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर ले आए, और ये वाला पूरा वाला मतलब यह जो डार्क के अंदर लिखा है, अब मैं आपको एग्जाम में केवल इतना ही बनाना है, अब आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि इतना वाला जो पार्ट्स है बिल्कुल डार्क डार्क है, आप मत करना भाई, आप केवल समझना, आपको तीर के निशान उल्टा दिखाने हैं। ये हमारे पास से बैक फ्लो कहलाता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई, बैक फ्लो कहलाता है, ठीक है। तो आप डायग्राम में ये वाला तो बनाना मत, कहने का मतलब आपको केवल इतना बनाना है कि इसकी डायरेक्शन यहां नेगेटिव है और जस्ट उल्टी, मतलब ये तो सारा पानी इधर जा रहा है पर कुछ पानी हमारे पास से, कभी कभार आपने देखा होगा कि झटके के साथ मोटर पानी वापस खींच ले जाती है, तो ये हमारे पास पीछे की ओर आ गया, और कभी प्रेशर बिल्कुल जीरो है, थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, पानी हमारे पास बाहर की ओर आएगा। इसे तत्काल ऐसे इस मोमेंट से समझिए, इमेजिन कीजिए कि आपने मोटर चलाई और पानी नॉर्मल से आ रहा है, अचानक से पानी पीछे खींचेगा तो बताओ किसी टाइम जीरो होगा कि नहीं होगा, मतलब पानी वापस नल की तक आएगा उस कॉर्नर के ऊपर, मतलब मान लो नल की हमारे पास ये है कि पानी वापस खींचेगी तो इस पॉइंट पे आके प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बाहर प्रेशर क्या है, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इस प्रकार से दिखेगा क्योंकि डायग्राम हमारे पास ये ऐसे है और ये ऐसे अपने बनाया ही है, ये दोनों प्लेट बहुत ही पास पास में है, ऐसा हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बैक फ्लो का ग्राफ है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास बैक फ्लो का डायग्राम, और यहाँ तक हमारे पास आज इस लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट हो गया है कि फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या मोशंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, तीन इसके छोटे छोटे रिजल्ट हैं, रिजल्ट वन प्लेन काउटी फ्लो, फिर प्लेन पोइजले फ्लो, थर्ड नंबर जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो, ठीक है। और इस लेक्चर को आप लगभग थक से गए होंगे या आपको पढ़ने में एक्चुअली मज़ा आया होगा, मेरे को लगता है अगर आप ठीक ठीक रेगुलर पढ़ने वाले हैं तो मज़ा आया होगा, अचानक से यही वीडियो देखने हैं तो वैसे मज़ा आया होगा कि यार पता नहीं क्या क्या करना होगा अपने को एमएससी में। अब मैं इसके चलते चलते कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं और आपको बताऊंगा कि टॉपिक यही है, अपन इस टॉपिक से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज घूम के आती है। तो एक बार मैं व्हाइट बोर्ड को रफ करके और यहां क्या लिख लेता हूं भाई, क्वेश्चंस लिख लेता हूं और चलते चलते उनको समझा जाता हूं। ओके, अब देखो हमारे पास मैंने ये स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। वैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया है, टॉपिक हमारे पास क्या है, मोशंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स या फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स जिसके अंदर, और किसके लिए है ये, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। मैंने सिलेबस से आपको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कटवाया था कि देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आगे चल के हम यूनिट फोर्थ के अंदर पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उसको वहाँ से
से कटवाया था। तो एक तो हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रखोगे। देखो आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, अब तक जो हम इन चार लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, देखो थोड़ा सा समझो इसको, आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर भी मैं अक्सर चाहूँगा कि लेक्चर वन हमारे पास क्या है, बेसिक है। लेक्चर टू, थ्री और इस लेक्चर सहित फोर, ये तीनों लेक्चर हमारे पास एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के चल रहे हैं, क्या, फ्लो बिटवीन टू पैरालेल प्लेट्स। फ्लो बिटवीन टू पैरालेल प्लेट्स, पैरालेल को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पैरालेल प्लेट्स, आप जानते हो ना ये पैरालेल और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारे पास दो तीन रिजल्ट हमने किए हैं, वन टू और थ्री, पहला प्लेन काउटी फ्लो, सेकंड प्लेन पॉइजले फ्लो और थर्ड हमारे पास है जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो जिसके अंदर बैक फ्लो बनता है। एक तो इस चीज़ को ध्यान में रखोगे अब तक जो हमने इस लेक्चर में किया है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन से ऐसे आया कि डिस्कस द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्कस द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो, फॉर जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो एंड वेरियस केसेस अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ नॉन डायमेंशनल प्रेशर ग्रेडियंट इन दिस मोशंस। तो आप पहचान जाओगे कि एक तो अपने को क्या करना है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कस करना है, यानी वो इक्वेशन नंबर एट, कौन सी इक्वेशन जिसके अंदर यू इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू डी पी बटा डी एक्स वाई स्क्वायर बाई टू प्लस ए वाई प्लस बी थी, मैंने बोला था ना कि इस इक्वेशंस को ध्यान में रखना, ये इक्वेशंस तो आपको डायरेक्ट लिखनी है। उसके बाद आपको नंबर तीन वाला जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो ऐसा कैसा लिखना है, देखो इसके बाद नंबर तीन वाला जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो आपको ऐसा का ऐसा लिखना है। देखो 10 नंबर का है इसलिए आप इक्वेशन 8 से पहले को प्रूफ नहीं करोगे। उसके बाद आगे जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो को लिखोगे, इसके आगे जो लिखा है एंड द वेरियस केसेस, देखो इसके आगे जो लिखा है एंड द वेरियस केसेस अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंट नेचर, ये कौन से केसेस की बात हो रही है, ये इसी केसेस की बात हो रही है, P ग्रेटर जीरो डी पी ग्रेटर जीरो, पी लेस जीरो प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव, P बराबर जीरो, जो हमने ग्राफ बनाया ना बैक फ्लो का, ये हमने जो ग्राफ बनाया है यहाँ तक जो लास्ट में बताया पूरा का पूरा लिखना है, तब जाके आपको एग्जाम में 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही पूरा लिख दोगे, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्ट लिखना है, आगे जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो को पूरा प्रूफ करना है, और उसके बाद इसके ये अराइजिंग केसेस लिखने हैं। तो अपने को इसकी स्थिति देख के अंदाजा लगाना है कि हमें निकालना है या डायरेक्ट लिखना है। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि डिस्कस द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस इन फ्लो ऑफ विस्कस इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बिटवीन टू पैरालेल प्लेट्स। ये मैं बेसिक लेक्चर में बता चुका हूँ कि हमारे पास इनकंप्रेसिबल फ्लूइड आएगा, क्या करना है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टू पैरालेल प्लेट्स, यानी ये हमारे पास एक प्रकार से टॉपिक ही हो गया, इसका आंसर पूरा का पूरा लेक्चर टू है, ठीक है। आगे क्या लेना है इसके साथ ही, टेकिंग द फ्लूइड प्रॉपर्टी एज कॉन्स्टेंट इन इन प्लेन काउटी फ्लो, यानी उसके बाद ये केसेस नंबर वन, मतलब पहले पूरा लेक्चर टू करना है, ये टॉपिक फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ही, उसके बाद आपको ये नंबर वन वाला लिखना है प्लेन काउटी फ्लो। प्लेन काउटी फ्लो में क्या है, y इज इक्वल टू जीरो और u इज इक्वल टू जीरो, फिर y इज इक्वल टू h, u इज इक्वल टू u, ये हमारे पास क्या होता था, कॉन्स्टेंट, जो एक क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मान लो मैंने लेक्चर चार तक करवा दिया, आपने अच्छे से कर लिए और एग्जाम में आपने क्वेश्चन ही नहीं पहचाने हो, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्लेन पॉइजले फ्लो बिटवीन टू पैरालेल इनफाइनाइट प्लेन्स प्लेट्स केप्ट स्टेशनरी, समझ गए इसके अंदर कि पहले पूरा लेक्चर टू करना है जिसके अंदर हमने ये टॉपिक पढ़ा था फ्लो बिटवीन टू पैरालेल प्लेट्स, अब की बार इसके साथ क्या लेके आना है, प्लेन पॉइजले फ्लो, अब की बार इसके साथ क्या लेके आना है, प्लेन पॉइजले फ्लो, यानी नंबर टू। जैसे इस प्रकार इसमें लेक्चर टू नंबर वन किया था, इसमें लेक्चर टू नंबर टू करेंगे, और उसके अंदर आपने देखा होगा हमने ऐसा लिखा था कि कैप्ट स्टेशनरी, और उसकी देखो हमने वो क्या ली थी, टू बी ली थी, तो प्लेट के बीच में दूरी भी कितनी है, बी, क्वेश्चन के अंदर बी लिख के दिया है, ठीक है। तो आपको वही टू बी लिखना है। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्कस द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्लेन काउटी फ्लो निकालना है नंबर वन एंड ऑब्टेन, हाँ ये वाला काम का है, एंड ऑब्टेन वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट विड्थ,
तो ये टॉपिक मैं इस यूनिट के लास्ट में करवाऊंगा आपको कि हमारे पास वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट विड्थ क्या होती है। इसको समझो लास्ट में कि ड्राइव वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर प्लेन पॉइज़ले फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो इसका मतलब ये सेम यही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सॉरी इस क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं है। पहले पूरा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, फिर आपको प्लेन पॉइज़ले फ्लो निकालना है, और इसी बात को इसने थोड़ा सा और बढ़ा के लिख दिया। तो अब तक इसी टॉपिक से रिलेटेड केवल ये बचा है ऑब्टेन वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट विड्थ। इसको मैं या तो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा या समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मतलब 5 लाइन का है, तो इसके अंदर कोई सीरियसली नहीं होना। तो यहां तक हमारे पास लेक्चर 4 हुआ है, मानता हूं ये हमारे पास लेक्चर लगभग 1.5 घंटे का हो गया है, पर कोई बात नहीं, आपने सीखा और यहां तक ये क्वेश्चंस लिख लेना आप एक बार, या अगर आपके पास 5 ईयर के पेपर है पार्ट वगैरह है तो उसके अंदर से आप इसको देख के समझ जाओगे। कहने का मतलब मैंने ये जो लेक्चर नंबर 2, 3, 4 बताया ये हमारे पास टॉपिक एक ही है फिक्स, और इसी के छोटे छोटे ये 3 केसेस चल रहे थे, प्लेन काउटी फ्लो, प्लेन पॉइज़ले फ्लो और जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो। इनके सारे रिजल्ट थे और इस इक्वेशन को रखोगे ध्यान में, यू इज इक्वल टू 1/μ dP/dx y² / 2+ay + b, जहां म्यू विस्कस कोफिशिएंट है, पी हमारे पास प्रेशर से, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमारे पास ये एक टॉपिक बिल्कुल पूरा हो गया, मोशन फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अब जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में आएंगे, जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में आएंगे तब बिल्कुल आपको यहाँ एक नया टॉपिक देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक आए हो और इस वक्त तक मेरी आवाज़ सुनी, इसके लिए थैंक्स। और आप इसको अच्छे से इस लेक्चर को सॉल्व करोगे और आपके एग्जाम में लगभग आपको ऐसा कोई भी ईयर्स नहीं है अब तक का 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 कि आपको ये कम से कम यहाँ इस 4 लेक्चर से एक क्वेश्चन पूरे, कभी कभार तो 20 नंबर का मिला है, मैक्सिमम टाइम 10 नंबर का क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के अंदर।